हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू ओनली आईस इन आर उड़ान 500 प्लस सीरीज फॉर दी सब्जेक्ट ज्योग्राफी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। हमने लास्ट टाइम क्या किया था? ज्योग्राफिकल फिनोमेना इन न्यूज़। आज हम करेंगे रिवर्स, लेक्स, आइलैंड्स एंड वेटलैंड्स टॉपिक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक इन दी न्यूज़, उठा सॉल्ट फ्लैट्स। ओके, सो यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसको? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी क्लियर अबाउट उटा सॉल्ट फ्लैट्स, ये कहाँ मिलता है हमें? बेसिकली इट इज़ लोकेटेड इन नेवाडा उटा। दिस लोकेशन इन यूएसए, नॉर्थ अमेरिका, नेवाडा उटा, वहाँ पे हमें क्या मिलते हैं? उटा सॉल्ट फ्लैट्स, राइट? सो दे आर वर्ल्ड फेमस वंस, दे आर बेसिकली नोन एज बोनीविल सॉल्ट फ्लैट्स। सो न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में क्यों है? बिकॉज इनका जो साइज़ है, एरिया, वो डिक्रीज़ हो रहा है। ओके, एंड वेयर दे आर लोकेटेड? यहाँ पे एक फेमस ग्रेट सॉल्ट लेक है, उसके वेस्ट साइड में ये सॉल्ट फ्लैट्स हमें मिलते हैं। ओके ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट जो हमें पता होना चाहिए, बिकॉज प्रीलिम्स स्पेसिफिक हमें देखना है, सो दे आर बेसिकली रेमनेंट्स ऑफ द प्रीहिस्टोरिक लेक, लेक बोनीविल। सो ये लार्ज लेक थी, वो ड्राई होगी, तो उसने क्या क्रिएट किया? बोनीविल सॉल्ट फ्लैट एंड ग्रेट सॉल्ट लेक, ये आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट, सो नाउ सॉल्ट फ्लैट्स होते क्या है? बेसिकली दे कंटेन वेरियस सॉल्ट्स, कौन कौन से? पोटेशियम, मैग्नीशियम, लिथियम, सोडियम क्लोराइड, ये आपको क्लियर होने चाहिए। देन बिकॉज ये सॉइल्स जो है, ये सॉल्टी सॉइल्स है, तो यहाँ पे जो वेजिटेशन है आपको स्पार्स मिलेगी, स्कैटर्ड मिलेगी, नॉट कॉन्टीन्यूस, नॉट डेंस, तो ध्यान रखना स्पार्स वेजिटेशन। ओके, देन इन सॉल्ट फ्लैट्स में आपको कुछ कुछ एरिया पे पॉन्ड्स मिलेंगे एंड मार्शी एरियाज, तो वो बेसिकली दे आर असेंशियल बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग वाटर, वाटर टू होम, टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये ध्यान रखना बस। ऑलराइट, सो लेट्स हैव अ लुक एट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बिकॉज यूपीएससी पूछ रहा है लेक्स पे। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक? कोडाई कनाल, कोलेरू, नैनीताल, रेणुका। सो प्लीज पॉज दी वीडियोज फॉर 10 seconds एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, सो आंसर इज कोडाई कनाल, तमिलनाडु। फॉर द फ्यूचर रेफरेंस डू हैव अ लुक एट दीज लेक्स ऑल्सो, इनके फीचर्स देख लेना, एज यूपीएससी माइट आस्क क्वेश्चन ऑन दीज लेक्स ऑल्सो इन फ्यूचर। ऑलराइट, आंसर इज ए। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज वनुआटू। सो हाउ यूपीएससी इज गोइंग टू आस्क दिस क्वेश्चन, वेयर इज वनुआटू इज लोकेटेड? वाई इट इज इन न्यूज? बिकॉज दीज आइलैंड्स दे आर फेसिंग थ्रेट फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से थ्रेट क्या हो रहा है? राइजिंग सी लेवल। सो दीज आइलैंड्स आर गेटिंग सबमर्स्ड। ओके, एंड दीज आइलैंड्स आर पार्ट ऑफ पैसिफिक आइलैंड्स। ओके, सो इन पैसिफिक आइलैंड्स वी हैव मैनी आइलैंड्स लाइक पॉलिनीशियन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, मेलानीशियन। सो वनुआटू बिलोंग्स टू मेलानीशियन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड दे आर लोकेटेड इन साउथ पैसिफिक ओशन। सो इफ दिस इज ऑस्ट्रेलिया ऑन दी वेस्ट पार्ट ऑफ, सॉरी ईस्ट पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एंड डू हैव अ लुक एट इट्स कैपिटल इज पोर्ट विला, बिकॉज यूपीएससी इज हैविंग द हैबिट ऑफ आस्किंग अरेंजिंग द सिटीज इन द वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन और द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। सो डू हैव अ लुक एट पोर्ट विला इज इन द साउथ पैसिफिक ओशन। ओके, देन इट इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड एंड विच मेक्स द शेप ऑफ वाई, वाई शेप्ड आर्किपेलागोस। दे आर लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, दे हैव द यूनिक टेरिस्ट्रियल इकोरीजन, राइट, रेन फॉरेस्ट, बिकॉज इफ यू लुक एट ऑन द मैप, सो हेयर वी हैव, दिस इज द वनुआटू रीजन, एंड इफ यू लुक एट, सपोज दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सॉरी इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो दिस वनुआटू रीजन बेसिकली लाइज अलॉन्ग द इक्वेटर, सो इट इज नियर टू इक्वेटर, सो दे एक्सपीरियंस वर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सो दे हैव रेन फॉरेस्ट, वनुआटू रेन फॉरेस्ट, एंड दे आर पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलेशिया, इट्स ऑस्ट्रेलेशिया इकोजोन, दिस इज ऑस्ट्रेलेशिया इकोजोन, दिस ग्रीन पार्ट, सो दे बिलोंग टू दिस रीजन, ऑस्ट्रेलेशिया इकोजोन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड एंड दे आर वाई शेप्ड आर्किपेलागोस। ओके,
सो दे आर फेसिंग थ्रेट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज. सो इट इज़ अफेक्टिंग वॉट, इट इज़ अफेक्टिंग लाइवलीहुड्स ऑफ द पीपल, ऑल्सो वेलबींग, डिजीज वुड बी स्प्रेडिंग. एंड दिस वाटर सी लेवल इट इज़ राइजिंग एट ट्वाइस द एवरेज ग्लोबल रेट. सो डू कीप दिस थिंग इन माइंड. इट इज़ अ वाई शेप, इफ यू लुक एट इन द फिगर इट इज़ फॉर्मिंग वाई शेप, राइट. ओके, एंड पोर्ट विला वी हैव इट्स कैपिटल पोर्ट विला. ओके, पॉजिटिव ऑफ द वनाटो इज इट इज कार्बन नेगेटिव कंट्री. जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड. कार्बन नेगेटिव मीन्स इट इज रिलीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इज लेस देन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब. हाउ इट इज बींग एब्सॉर्ब? बिकॉज इट हैज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सो इट इज कार्बन नेगेटिव. रिलीज इज लेस, एब्जॉर्प्शन इज मोर. ओके, दे आर पार्ट ऑफ मिलिशिया, मिलिशियन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लोकेटेड इन साउथ पैसिफिक ओशन. इट इज वन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन, राइट. कीप दिस इन माइंड. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सो ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट. ओके, एंड वी नीड टू कीप इन माइंड वॉट आर दी अदर्स मिलिशियन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. बिस्मार्क, रिमेंबर जर्मन वन, बिस्मार्क आर्किपेलागोस. फिजी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, दिस इज ऑल्सो बिकॉज इट हैज हाइएस्ट पॉपुलेशन इज इंडियन ओरिजन. मलुकू आइलैंड्स, न्यू कैलिडोनिया, न्यू गिनी आइलैंड, सोलोमन आइलैंड्स, टॉरेस स्ट्रेट आइलैंड्स एंड वनुआटू. सो डू कीप दिस थिंग इन माइंड. इफ यू लुक ऑन द मैप व्हाट वी आर फाइंडिंग, पापुआ न्यू गिनी, मिलिशियन एंड सोलोमन आइलैंड, राइट, वनुआटू, न्यू कैलिडोनिया, फिजी आइलैंड, राइट. सो दीज आर द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. एंड डू कीप इन माइंड ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द वनुआटू वी हैव कोरल सी, एंड ऑन द फर्दर वेस्ट साइड वी हैव ग्रेट बैरियर रीफ. ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट बैरियर रीफ, कोरल सी, वनुआटू. To keep this in mind. And Tropic of Cancer is below the Vanuatu. So question can also come, Tropic of Capricorn passes through this. So Vanuatu is lying between equator and Tropic of Capricorn. Keep this thing in mind. That's why we have tropical rainforest. Okay. Then Kiribati Island, keep this in mind. On the east side, Tuvalu Island on the east side. So Mau on the east side, Tonga. So do keep in mind that Malaysian islands are these, Papua New Guinea, Solomon, Vanuatu, New Caledonia, Fiji. But Tuvalu, Kiribati, Samoa, these Tonga, these are not part of Malaysian islands. So just keep this thing in mind. Alright, so please solve this previous question. Pause the video for 10 seconds and solve it. Okay, so its answer would be A, because coral islands or coral reefs are found where Andaman Nicobar, Gulf of Kutch, Gulf of Mannar, but not Sundarbans, because Sundarbans are known for mangroves, not coral reefs. So answer would be 1, 2 and 3. 4 is wrong. Okay, I hope you all have got the right answer. Alright, next location which is in news is River Nile. River Nile, we know it flows to Africa. Why it was in news? Because of climate change, pollution and human exploitation. So all this is are posing threat to River Nile. So if you look at how River Nile flows, right, it originates from the Lake Victoria. This is a source. It is flowing in the north direction. So it is moving from south to north direction. Keep this in mind. Right, over here we have White Nile River, its tributary. Blue Nile River, it's coming from Ethiopia. It's another tributary of Nile. It joins from the Nile River and it forms and it flows into Mediterranean Sea. Keep this thing in mind, because UPSC has been asking question in the previous years, rivers and where the mouth of the river is located. So mouth of the Nile River is located in this thing, Mediterranean Sea. Okay. And this White Nile River is also known as Victoria. Victoria. So Lake Victoria, it is originating White Nile River, Blue Nile River, Nile River. Keep this in mind. And it is one of the longest river in Africa. Longest river in Africa. Okay. And it covers 10% of the African continent. That means river's water basin. Okay. So south to north flow, Lake Victoria, source region, White Nile.
empties into Mediterranean Sea. Longest in Africa, Uganda to Egypt it is flowing. Water basin covers 10%, and almost 11 countries are covered. All right. So three main tributaries of the Nile are White Nile, Blue Nile, and Atbara. Keep this in mind. Atbara, it flows in Africa. And before entering into Mediterranean Sea, river splits. Suppose it is flowing. Before entering into Mediterranean, it splits into two branches. One is Rosetta branch. On the west side, east side, we have Damietta branch. Rosetta and Damietta. Keep this in mind. Alright. So, millions of lives of Africans depend on the River Nile. But because of global warming, water level is decreasing. Also, quality of water is affecting due to pollution and human exploitation, fast extraction of water. So, all this posing threat to River Nile. So, according to IPCC report, Nile Delta is one of the three regions in the world that are most vulnerable to global warming. Just keep this thing in mind. Okay, please solve this question. Previous year question 2020. Pause the video and solve it. Alright. So answer is, let's have a look at river flows into which of the following. Mekong River flows into Andaman Sea? No. It flows into South China Sea. If we draw a map. So we know Mekong River is flowing in the southeast region and it enters into South China Sea. Andaman Sea is over here. So first is wrong. Thames flows into Irish Sea? No. Thames flows... This is England. Thames River is flowing. It enters into where? North Sea. Irish Sea is over here on the west side, but it flows into North Sea. So second is also wrong. Then Volga flows into Caspian Sea. Volga, we know it is in news because of Russia-Ukraine war crisis. So yes, Volga flows into Caspian Sea. It is correct. Zambezi flows into Indian Ocean. Yes, Zambezi flows like this and it is entering into Indian Ocean. So it is also correct. So, answer would be C. Okay. Okay, so now, next topic in news is South China Sea. So, what is actually, why is it in news? Because in the South China Sea, China is claiming lot of islands. And under international law, that is UN clause, we say, United Nations Convention on Law of Sea, according to it, what is happening? China is illegally occupying it. So, China is supposed to abide by the rules of the UN clause or verdicts of the UN clause, but China is refusing it. So this is why South China Sea is in the news. Now some location is the news. If we look at South China Sea, there are few islands on which China is claiming. Spratly Island, then we have Scarborough Shoal, McLeish Field Bank, Senkaku Islands, or which are also known as DROU. Okay, then Pratas Islands, Paracel Island. Keep this thing in mind. These all are the islands on which China is claiming. Pratas, Paracel, Spratly, Scarborough, McLeish, Senkaku, jinko DROU bhi bolte hain. Alright. Okay. So where is South China Sea located? Pacific Ocean. On the western side of the Pacific Ocean. Keep this in mind. Now how, if you want to tell the location of the South China Sea. This is South China Sea. So, okay. So we have East China Sea over here. So it is South China Sea is connected to East China Sea via Taiwan. And over here we have Taiwan Strait. You know na, what is strait? Strait is a water body which is connecting two land masses. Okay. Then over here we have Philippine Sea on the east side. It is connected via, over here again we have Taiwan, Philippine, two land bodies separated by a water body which is known as Luzon Strait. Okay, clear. Then if we look at South China Sea, the countries which are surrounding it, which all countries do we have? We have Taiwan, Philippines, right? Then over here we have Borneo in the southeast, Gulf of Thailand, this is Gulf of Thailand, then Malay Peninsula. Then we have Asian mainland. This is Asian mainland.
सो दीज आर द रीजन्स विच आर एंड चाइना इज ओवर हियर सो दीज आर द कंट्रीज विच आर सराउंडिंग इट राइट ऑलराइट सो इट इज आर्म ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन देन वी हैव ताइवान स्ट्रेट इन द ईस्ट चाइना सी विच इज कनेक्टिंग लुजोन स्ट्रेट इज कनेक्टिंग साउथ चाइना सी विद इज फिलिपिन सी हमें अब इसके सराउंडेड के ताइवान स्ट्रेट ऊपर है ताइवान फिलिपिन ईस्ट साइड पे है बॉर्नियो साउथ ईस्ट पे गल्फ ऑफ थाईलैंड वेस्ट साइड मले पेनिनसुला वेस्ट साइड एंड एशियन मेनलैंड नॉर्थ वेस्ट साइड कौन कौन से आइलैंड्स पे क्लेम करे पार्सल आइलैंड में कौन कौन क्लेम करे चाइना ताइवान वियतनाम स्प्रैटली के केस में चाइना ताइवान वियतनाम ब्रुनी फिलिपींस स्कारब्रो शोल के केस में फिलिपिन चाइना ताइवान देखो ये याद नहीं रहेंगे रट्टा मारना है पर स्टिल यू नीड टू बी क्लियर ऑफ कि पार्सल आइलैंड स्प्रैटली आइलैंड स्कारब्रो आइलैंड ये सब रिस्पॉन्सिबल है कौन कौन से प्रातास आइलैंड सिनकाकू आइलैंड जापान के साथ कन्फ्लिक्ट में है स्कारब्रो आइलैंड स्प्रैटली आइलैंड पार्सल आइलैंड राइट कीप दिस इन माइंड ओके सो बेसिकली हाउ चाइना इज क्लेमिंग चाइना क्या कर रहा है ये सारे इनहैबिटेड आइलैंड्स थे कोई नहीं रहते थे यहाँ पे तो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं इनको आर्टिफिशियल आइलैंड्स में कन्वर्ट कर रहा है उनके आगे कुछ रीफ्स बना दिए मिट्टी इकट्ठी कर रहा है पोर्ट्स वगैरह बिल्ड कर रहा है राइट सो कैसे कर रहा है हेवन रीफ्स जॉनसन साउथ रीफ फेरी क्रॉस रीफ ये सब बिल्ड कर रहा है उसके अराउंड एंड इम्पॉर्टेंस के सी की इफ़ यू लुक एट यहाँ पे देखो ये है स्ट्रेट ऑफ मलाका तो जितना ट्रेड हो रहा है पूरा वर्ल्ड का ट्रेड चाइना का ट्रेड हो रहा है स्ट्रेट ऑफ मलाका के थ्रू जाता है यहाँ पे इंडियन ओशन से इंडिया जाएगा श्रीलंका जाएगा अफ्रीका कनेक्ट करेगा देन वेस्ट एशिया सो साउथ चाइना सी का इंपॉर्टेंट है जो इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट कर रहा है और बीच में साउथ चाइना सी आ रहा है ओके सो अकॉर्डिंग टू यूनेक्टैड फर्स्ट ऑफ ऑल एक बॉडी है ध्यान रखना कौन कौन सी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है ये आपका होमवर्क है विच ऑल रिपोर्ट्स इट पब्लिश ओके सो अकॉर्डिंग टू इट 1/3 ऑफ ग्लोबल शिपिंग पासिस थ्रू साउथ चाइना सी ये ध्यान रखना दिस इज अ फैक्ट ऑलराइट नेक्स्ट टॉपिक जो है महाकाली रिवर व्हाई इट वाज इन न्यूज बेसिकली यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए विद नेपाल टू कंस्ट्रक्ट अ ब्रिज ओवर द महाकाली रिवर कहाँ पे हम करेंगे धारचूला पे धारचूला राइट और महाकाली रिवर है क्या बेसिकली जो आपको पता होना चाहिए महाकाली रिवर एक्ट एज अ ट्रांसबाउंड्री रिवर दैट मीन्स इट इज फॉर्मिंग बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल एंड इट इज ऑल्सो नोन एज काली रिवर काली भी बोलते हैं सरदा भी रिवर बोलते हैं राइट एंड दिस रिवर इज फ्लोइंग इन इंडिया So it is flowing on along the India-Nepal border. It is flowing. It is a tributary of which river? Ghaggar. And Ghaggar is tributary of which river? Ganga. So do keep this in mind. And from where it is originating? It was a controversial area. Kalapani region. Because Kalapani region is claimed by both India and Nepal. And Kalapani region is located in which kind of Himalayas? Trans-Himalayas. Do keep this thing in mind. Transboundary river, Kali Sarda known as, it is a tributary of Ghaggra river and Ghaggra in turn is tributary of Ganga. It originates at Kalapani river, Trans-Himalaya region mein. Aur jab ye UP mein enter kar raha hai India mein, to Tarai plains milte hai. At the foothills of Himalayas hume kya mil raha hai? Pehle Babbar milenge, phir uske baad Tarai region. And Tarai region are famous for what? National parks and all. ओके पोटेंशियल क्या है हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड ऑल्सो इट इम्पॉर्टेंट क्या इसका इसमें वाटर बहुत है तो हम हिमालयन कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स जैसे अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा है केन बेतवा वाला तो ऐसी ये सारा वाटर हम यूज़ कर सकते हैं जो रिवर्स ड्राई हो चुकी है सो इंटरलिंकिंग रिवर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका ओके नेक्स्ट वी हैव चिलिका लेक इन न्यूज़ अभी रिसेंटली वाटर बर्ड स्टेटस सर्वे हुआ था चिलिका में कहाँ पे कंडक्ट हुआ चिलिका लेक में हुआ था वाटर बर्ड स्टेटस सर्वे
उसके अकॉर्डिंग 11 लाख वाटर बर्ड्स हमें मिले वहाँ पे, और वेटलैंड डिपेंडेंट स्पीशीज जो चिलिका लेक पे डिपेंडेंट है खाने पीने के लिए, सर्वाइवल के लिए। ऑलराइट, तो ये ध्यान रखना 11 लाख फिगर्स, कौन सा स्टेटस सर्वे, वाटर बर्ड स्टेटस सर्वे, कहाँ पे हुआ था, चिलिका लेक। ओके, अब चिलिका लेक के बारे में देख लेते हैं। ब्रैकिश वाटर लगून है, इट इज़ लाइक दिस। पीछे वाटर इकट्ठा हुआ है लगून, पर इसमें सी वाटर एंटर कर रहा है इसलिए ब्रैकिश है, राइट। ओके, और ये उड़ीसा में लोकेटेड है, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में, पुरी, खुर्दा एंड गंजम डिस्ट्रिक्ट। एंड इस लेक में एक रिवर एंटर कर रही है, तो बेसिकली माउथ ऑफ द रिवर, विच रिवर, दया रिवर, और ये बे ऑफ बंगाल, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंस क्या है चिलिका लेक का, एशिया का लार्जेस्ट, ध्यान रखना कीवर्ड्स, एशियाज लार्जेस्ट, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट लगून। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कौन सा है, न्यू कैलिडोनियन, याद करो अभी हमने किया था मेलानेशियन आइलैंड, वहाँ पे कौन सा एक आइलैंड है, न्यू कैलिडोनियन। सो न्यू कैलिडोनियन बैरियर रीफ वर्ल्ड का लार्जेस्ट लगून है। उसके बाद आता है एशियाज लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा, चिलिका। ये कीवर्ड्स 1981 में हमारे कुछ रामसर कन्वेंशन में वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, और फर्स्ट कौन सा रिकग्नाइज हुआ था, चिलिका लेक, ध्यान रखना 1981 में। और इसी चिलिका लेक के पास हमें क्या मिल रहा है, एक आइलैंड है चिलिका लेक, वहाँ पे आइलैंड है, वहाँ पे फेमस गॉडेस कालीजाई का टेम्पल है। ओके, तो लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस, रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है, इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस भी है। देन फर्दर इंपॉर्टेंस क्या है, डेली सॉरी एवरी ईयर माइग्रेटरी बर्ड्स विजिट करते हैं, बिकॉज जब विंटर्स वाला टाइम होता है तो रशिया जैसे सर्बिया रीजन से, वहाँ से क्या हो रहा है, साइबेरिया से यहाँ पे एंटर आ कर रहे हैं एनिमल्स, बर्ड्स। तो कौन कौन से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, पहले देख लेते हैं। कैस्पियन सी, लेक बैकाल, अरल सी, रिमोट पार्ट्स ऑफ रशिया जो फ्रोजन है, किर्गिस स्टेपीज ऑफ मंगोलिया, ध्यान रखना किर्गिस स्टेपीज ऑफ मंगोलिया, सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया, लद्दाख, हिमालयस। तो अगर हम मैप में देखें ये सब प्लेसेस कहाँ हैं, कैस्पियन सी ये रशिया हो गया, यहीं पर ही अरल सी है, राइट, मंगोलिया का किर्गिस स्टेपीज, सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया ये मलेशिया थाईलैंड वगैरह, राइट, हिमालयस, लद्दाख रीजन, यू नो, सो इन यहाँ से आ रहे हैं, लेक बैकाल, लेक बैकाल भी यहाँ पे है, यूरोप, राइट। और कौन कौन से और बर्ड्स आ रहे हैं, एम्बर फाल्कन्स, फाल्कन फेस्टिवल होता है नॉर्थ ईस्ट में, बार हेडेड गीस, ब्लैक नेक्ड क्रेन्स, मरीन टर्टल्स, डुगोंग्स, याद करो यूपीएससी ने एक बार पहले इन्वायरमेंट में क्वेश्चन पूछा है डुगोंग्स के बारे में, देन हमबैक व्हेल्स। तो यूपीएससी पूछ सकती है क्वेश्चन चिलिका लेक में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, या फिर आ सकता है ये बर्ड्स इंडिया में विजिट करें तो ये कहाँ कहाँ विजिट करते हैं, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। ओके, देन फर्दर जो हमें पता होना चाहिए, वाटर बर्ड स्टेटस सर्वे 2022 में, सो इट इज़ बिंग कहाँ पे हुआ है, चिलिका लेक में कंडक्ट है, पहली बात किसने कंडक्ट किया, बॉडीज पता होना चाहिए, ओडिशा स्टेट वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन, चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो हमने कि स्टार्टिंग में देखा था कितने बर्ड्स विजिट किए, 10.7 लाख, और यू कैन से अराउंड 11 लाख, पर लास्ट ईयर कितने आए थे, 12 लाख, तो इस साल कम हुए है, ये ध्यान रखना 2021 में 12 लाख से 2022 में 11 लाख। तो क्वेश्चन आ सकता है कि दिस ईयर मोर नंबर ऑफ बर्ड्स विजिटेड इन टू चिलिका लेक और लेस विजिटेड, तो क्वेश्चन ऐसे नंबर बेस पे भी आ सकता है, तो आइडिया ले लो इस साल कम हुआ है। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट क्या, इसमें जो यूनिक फीचर था, इस साल हमें एक रेयर ऑर्गेनिज्म दिखा है, मंगोलियन गल, बिकॉज स्टेपीज करकीस स्टेपीज ऑफ मंगोलिया से भी आ रहे हैं बर्ड्स, तो वहाँ से एक आया मंगोलियन गल, तो दिस इज समथिंग यू नीड टू बी वेल अवेयर ऑफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ अ डिस्कशन इज सरस्वती रिवर। सो नाउ व्हाई वाज इट इन न्यूज़। सो रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया, सरस्वती का रिवर नेम का रिकॉर्ड चेंज किया रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में। ओके, तो आपको इसके बारे में क्या पता होना चाहिए, सरस्वती रिवर के बारे में, एक तो पहली बात कहाँ ओरिजिनेट हुआ, कहाँ हुआ है, हिमालयस में ओरिजिनेट हुआ है, एंड
सो इट ओरिजिनेट्स इन द हिमालयस, इट फ्लोज इन वेस्टर्न डायरेक्शन एंड बिफोर इट एंटर्स इन टू अरेबियन सी. पर ये एंशियन रिवर है तो वहाँ पे अरेबियन सी नहीं होता था, हम क्या बोलते थे, वेस्टर्न सी. आज के टाइम पे उसे अरेबियन सी बोलते हैं, ये ध्यान रखना. और रिवर कहाँ कहाँ से पास करती थी, हरियाणा से, इंडिया के राजस्थान से, देन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गुजरात, एंड देन पाकिस्तान में एंटर करता था, एंड देन इट एंटर इन टू अरेबियन सी और वेस्टर्न सी. सो पाकिस्तान में इसका 1/3 एरिया था, पर बाकी एरिया इसका जो फ्लो था 2/3 एरिया इसका इंडिया में, ध्यान रखना. सो मैक्सिमम स्ट्रेच इसका इंडिया में है, नॉट इन पाकिस्तान. ओके, एंड इस रिवर के 2 ब्रांचेस थे, एक वेस्टर्न ब्रांच, एक ईस्टर्न ब्रांच. ओके, सो बेसिकली जो सतलुज रिवर है, दिस इज सतलुज रिवर, जो सतलुज रिवर फ्लो करती है वो इसकी वेस्टर्न ब्रांच रिप्रेजेंट करती है, राइट. देख लो, सो हिमालयन बॉर्न सतलुज ऑफ द पास्ट विच फ्लोड थ्रू द चैनल्स ऑफ द प्रेजेंट डे, घग्गर पटियाला वाली रिवर्स रिप्रेजेंट द वेस्टर्न ब्रांच. तो सरस्वती रिवर थी, इसकी 2 ब्रांचेस थी. वेस्टर्न ब्रांच कौन सी है आज, आज के टाइम पे वो कौन सी रिवर है, घग्गर पटियाला वाली रिवलेट्स. अगर आप ट्रैवल करोगे ना दिल्ली से चंडीगढ़, तो आपको चंडीगढ़ के पास एक ब्रिज दिखेगा, वहाँ पे रिवर बिल्कुल सूखी पड़ी है. वो रिवर कौन सी है, घग्गर रिवर है. तो वो क्या है, दैट रिप्रेजेंट्स दी रिवर कोर्स ऑफ द सरस्वती रिवर, वेस्टर्न ब्रांच. तो घग्गर पटियाला वाली रिवलेट्स, ध्यान रखना. ईस्टर्न ब्रांच कौन सी है, ईस्टर्न ब्रांच इसकी रिवर्स है मारकंडा एंड सरस्वती. सरस्वती का ही इन्होंने शॉर्ट फॉर्म सरस्वती बोल दिया, मारकंडा एंड सरस्वती रिवर, एंड देर रिप्रेजेंट द ईस्टर्न ब्रांच ऑफ सरस्वती. और आज के टाइम में दे आर नोन एज टोन्स यमुना, टोन्स इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, ध्यान रखना. तो यमुना हम बोलते हैं कि यमुना वॉज द इनिशियली फ्लोइंग इन द वेस्ट डायरेक्शन ओनली एज अ सरस्वती रिवर, पर जब दिल्ली ब्रिज बना तो यमुना स्टार्टेड फ्लोइंग इन द ईस्टर्न डायरेक्शन एंड इट बिकेम द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा. और ऐसी एक रिवर टोन्स रिवर भी यमुना की ट्रिब्यूटरी बन गई. सो दे रिप्रेजेंट द ईस्टर्न ब्रांच ऑफ द सरस्वती, एंड इन दोनों ब्रांचेस के कन्फ्लुएंस कहाँ पे होते हैं, मीट कहाँ पे होता है, शतराना 25 किलोमीटर साउथ ऑफ पटियाला, और रन ऑफ कच्छ नदन गुजरात में भी एंटर करते हैं. ओके, सो सम हिस्टोरिकल एविडेंसेस, सरस्वती रिवर का मेंशन कहाँ पे है. सो इट इज़ अ वन ऑफ द मेन ऋग्वेदिक रिवर्स, ध्यान रखना, ऋग्वेदिक, ऋग्वेदा, राइट. सो स्क्रिप्चर ऑफ ऋग्वेदा, लेटर वैदिक एंड पोस्ट वैदिक, सब मेंशन करते हैं सरस्वती रिवर का. जो ऋग्वेदा की कुछ बुक्स थी उसकी बुक 6, उसमें मेंशन है नदी स्तुति सुक्ता. तो जो उसमें क्या मेंशन है, इट प्रेजेस अबाउट द सरस्वती रिवर. सरस्वती रिवर के बारे में क्या, परफेक्ट मदर, अनसरपास्ड रिवर, सुप्रीम गॉडेस. बिकॉज यूपीएससी हैज़ दी हैबिट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस कि ऐसे कि ऋग्वेदा में इस किस रिवर के बारे में ये लिखा है, परफेक्ट मदर, अनसरपास्ड रिवर, सुप्रीम गॉडेस. सो बी क्लियर सरस्वती रिवर के बारे में, नॉट गंगा, नॉट ब्रह्मपुत्र. ऑलराइट, सो नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ इन न्यूज इज कच्छा टीबू आइलैंड. सो रिसेंटली क्या हुआ है, अभी 8 फिशरमैन, इंडियन फिशरमैन, उन्होंने कच्छा टीबू आइलैंड में एंटर किया. सो श्रीलंका नेवी ने उन्हें अरेस्ट कर लिया. सो बेसिकली कच्छा टीबू आइलैंड है क्या, देखो दिस इज श्रीलंका, ये तमिलनाडु. तो यहाँ पे रमेश्वरम आइलैंड, जहाँ पे हमारे वो थे, क्या कहते हैं, प्रेजिडेंट थे, फॉर्मर प्रेजिडेंट अब्दुल कलाम जी आए हैं. ओके, सो बेसिकली कच्छा टीबू आइलैंड बेसिकली लोकेटेड है इंडिया श्रीलंका के बीच में, इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन है इंडिया श्रीलंका के बीच में, तो वहाँ पे लोकेटेड है. ओके, तो ये बेसिकली आइलैंड के अनइनहैबिटेड है, कोई नहीं रहता है यहाँ पे. एक ध्यान रखना, ये क्या है, पाक स्ट्रेट, दिस इज अ वाटर बॉडी सेपरेटिंग टू लैंडमार्क श्रीलंका एंड तमिलनाडु, इसको हम बोलते हैं पाक स्ट्रेट. तो कच्छा टीबू इज लोकेटेड इन पाक स्ट्रेट. ऑलराइट, और कैसे बना था, इट वॉज फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शन से बना था. ओके, सो दिस आइलैंड इज बेसिकली अनइनहैबिटेड, पाक स्ट्रेट में है, वोल्केनिक इरप्शन. सो नाउ इट इज ओन्ड बाय द राजा ऑफ रामानाथपुरम, ये ध्यान रखना. पहले राजा ऑफ रामानाथपुरम इसको ओन करता था, फिर ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिश ने क्या किया, इसको मद्रास प्रेजिडेंसी का पार्ट बना लिया. ओके, तो हमने प्रॉपर लाइन डिटरमाइन कर दी थी, डिलिमिट किया था बिटवीन मद्रास एंड श्रीलंका. श्रीलंका वॉज एट दैट टाइम नोन एज सिलोन, सिलोन टीज आती है और श्रीलंका से आती है.
ओके सो ब्रिटिश के टाइम पे क्या था, क्योंकि श्रीलंका में भी ब्रिटिश ही थे, सो इट वॉज डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट बाय इंडिया एंड श्रीलंका. ओके सो आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हाट हैपन, एक तो ये आइलैंड इंपॉर्टेंट है बिकॉज फिशेज के लिए, स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट फॉर फिशिंग एक्टिविटीज़. तो 1921 में दोनों श्रीलंका और इंडिया क्लेम कर रहे थे, पर अल्टीमेटली 1974 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था, कच्छातीवु आइलैंड को श्रीलंका को दे दिया था अंडर इंडो श्रीलंका मैरीटाइम एग्रीमेंट, कि हमारी रिलेशंस इंप्रूव होंगे. पर 1976 में क्या किया दोनों ने, साइन किया कि बोथ दी कंट्रीज फिशरमैन फ्रॉम फिशिंग इन दी अदर्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, कि अगर कच्छातीवु आइलैंड है और सपोज तमिलनाडु है तो उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहाँ तक है, 200 किलोमीटर तक आइलैंड से, तो वहाँ तक फिशिंग पे जा सकते हैं. तो कच्छातीवु आइलैंड थोड़ा सा दूर है, तो वो बियॉन्ड 200 किलोमीटर जाके कच्छातीवु आइलैंड नहीं एंटर कर सकते. अगर वो करेंगे मतलब दे आर वॉयलेटिंग दी बाउंड्री लाइन और दे आर एंटरिंग दी बाउंड्रीज ऑफ दी अदर नेशन, राइट. सो इलीगल एंट्री हो रही है तो अरेस्ट हो सकते हैं. सो ये ध्यान रखना बस. ओके सो नेक्स्ट टॉपिक इज कुरील आइलैंड नॉर्दर्न टेरिटरीज. याद करो कुरील आइलैंड कहाँ पड़ते हो आप, पैसिफिक ओशन में है. सो रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था, अभी रिसेंटली जापान ने क्या बोला है, कुरील आइलैंड्स आर बीइंग इलीगली ऑक्यूपाइड बाय होम रशिया, तो रशिया उसको इलीगली ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये जापान ने कहा है. ऑलराइट, तो ये कुरील आइलैंड्स को जापान क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न टेरिटरीज, रशिया क्या बोलता है, साउथ कुरील्स. लेट्स हैव अ लुक एट इनकी लोकेशन कहाँ पे है. आई होप आप सबको वर्ल्ड मैप बनाना आ गया होगा या मुझसे ही सीख जाना. ऑलराइट, दिस इज़ रशिया, दिस इज़ जापान. तो जापान के यहाँ पे आइलैंड्स है कुरील आइलैंड्स, राइट. तो रशिया भी क्लेम कर रहा है इस पर, जापान भी कर रहा है. जापान इसे बोलते हैं नॉर्दर्न टेरिटरीज पे, उसके नॉर्दर्न पोजिशन पे है, और रशिया क्या बोलते हैं इसके साउथ पे, तो साउथ कुरील्स बोलते हैं. ऑलराइट, सो एक चीज़ ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो रिवर है, सॉरी सी है, दिस इज सी ऑफ ओखोत्स्क, सी ऑफ ओखोत्स्क, राइट. यहाँ पे नॉर्थ पैसिफिक ओशन, और जापान का जो नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड है जो क्यूरिल के नियरेस्ट है वो कौन सा है, होकाइडो, ये ध्यान रखना. ओके सो दोनों रशिया और जापान इसको क्लेम करते हैं. रशियाई कैपिटल मॉस्को, रशियाई कैपिटल मॉस्को, और क्या कहते हैं जापान की कैपिटल टोक्यो. सो दे आर लाइंग बिटवीन, राइट, दोनों क्लेम कर रहे हैं सिंस वॉट, सिंस वर्ल्ड वॉर टू. तो सोवियत यूनियन USSR रशिया ने क्या किया था, इस आइलैंड को सीज कर दिया था, और वहाँ पे जितने जापनीज रहते थे उनको एक्सपेल कर दिया. सो तब से टोक्यो क्लेम कर रहा है. टोक्यो किस बेसिस पे कर रहा है, कल्चर के बेसिस पे. वो कह रहा है कि वी हैव बीन लिविंग इन दिस कुरील आइलैंड सिंस 19th century, अर्ली 19th century, तो हमें बाद में निकाला गया, सो इट बिलोंग्स टू अस, नॉट टू दिस रशिया. ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट कुरील आइलैंड्स. कुरील आइलैंड्स के बाद ये भी देख सकते हो कैसे फॉर्म हो रहे हैं. याद करो दो प्लेट्स हैं, पैसिफिक प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट, तो वहाँ पे ओशन कन्वर्जेंस हो रही है एंड वी आर फॉर्मिंग कुरील आइलैंड्स. ओके, और पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का भी पार्ट है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ इन न्यूज इज गल्फ ऑफ गेप्स. अब गल्फ ऑफ गेप्स के वहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, अभी फ्यूल शिप विच वॉज कैरिंग 750 tons ऑफ डीजल, इट सिंक्स ऑन द गल्फ ऑफ गेप्स इन टूनिशिया. अब देखो टूनिशिया कहाँ पे है, दिस इज यूरोप, एशिया, दिस इज अफ्रीका. सो अफ्रीका में यहाँ पे एक कंट्री है टूनिशिया, राइट. सो टूनिशिया के नॉर्दर्न साइड मेडिटेरेनियन सी में वहाँ पे क्या हुआ है, एक शिप सिंक कर गया, ये ध्यान रखना. सो इफ यू लुक इन दिस दिस मैप, दिस इज अफ्रीका, दिस इज यूरोप, अफ्रीका, तो इसके यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, तो वहाँ पे गल्फ है. ओके क्लियर, सो लेट्स हैव अ लुक एट इस पोजीशन गल्फ ऑफ गेप्स के बारे में. UPSC कैसे पूछ सकती है क्वेश्चन. ओके, पहली बात गल्फ ऑफ गेप्स, इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज लेसर सिर्टिस. दिस थिंग यू नीड टू बी वेल अवेयर ऑफ, बिकॉज टूनिशिया है, टूनिशिया के साइड में यहाँ पे लिबिया है, तो वहाँ पे जो गल्फ है उसको हम बोलते हैं ग्रेटर सिर्टिस. टूनिशिया में जो है उसको बोलते हैं लेसर सिर्टिस, जो गल्फ है, गल्फ ऑफ की.
ओके अब देखो गल्फ ऑफ गिप्स कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, इट्स स्पैन्स फ्रॉम मैप में ही देख लो, स्फाक्स यहाँ से लेके कहाँ तक है, इस लोकेशन तक, जरबा यहाँ से यहाँ तक है, दिस इज गल्फ, स्फाक्स टू जरबा ये इसकी लोकेशन है, और इसके हेड पे क्या है, एक सिटी है गिप्स, तभी हम इसको गल्फ ऑफ गिप्स बोलते हैं। तो एक्सटेंशन क्या है इसकी, स्फाक्स से जरबा और हेड पे एक सिटी है गिप्स, और गिप्स का एक्सपीरियंस करता है, इट एक्सपीरियंसेस स्प्रिंग टाइड 2.1 मीटर तक, स्प्रिंग टाइड हमें पता ना मैक्सिमम हाई टाइड्स होती है, सो अप टू 2.1 मीटर हाई टाइड्स की स्प्रिंग टाइड्स एक्सपीरियंस करता है। ओके तो ये मेजर पोर्ट्स एरिया भी है स्फाक्स गिप्स, यहाँ पे बेसिकली वही फिशिंग के लिए, आप मेडिटेरेनियन सी है तो वहाँ पे फिशेज अवेलेबल होंगे, तो फिशिंग की एक्टिविटीज इन्वॉल्व। ओके देन यहाँ पे जो आइडिया होना चाहिए आपको इसके नॉर्थ ईस्ट में, कि अगर सपोज दिस इज गल्फ ऑफ गिप्स, इसके नॉर्थ ईस्ट में एक फेमस आइलैंड है करकीना, जिसको हम बोलते हैं करकना भी बोलते हैं, करकना आइलैंड्स, एंड जरबा को हम एक और टर्म बोलते हैं जरबा आइलैंड्स, जैसे भी आप बोलना चाहो जरबा आइलैंड्स, राइट। सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस, लोकेशन याद रखो गल्फ ऑफ गिप्स, किस किस के पीछे स्वाक्स एंड जरबा, जिसके नॉर्थ ईस्ट में आइलैंड है करकना, साउथ में कौन सा जरबा, गिप्स, गिप्स किसके लिए फिशिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। और गल्फ ऑफ गिप्स को हम बोलते हैं लेसर सेटिस, ऐसी लिबिया उसकी ईस्ट साइड में कंट्री है, वहाँ पे गल्फ है उसे बोलते हैं ग्रेटर सेटिस। ओके गल्फ ऑफ गिप्स, लेसर सेटिस, ग्रेटर सेटिस इन लिबिया, देन वी हैव स्फाक्स टू जरबा, देन सिटी ऑफ गिप्स, गिप्स को हम ये भी बोलते हैं गनुची, हाँ गनुची, एंड 2.1 मीटर हाइट की स्प्रिंग टाइड्स मिल रही है। ऑल राइट फिशिंग हो रही है करकन आइलैंड्स, जरबा आइलैंड्स, ऑल राइट। ब्लैक सी, ब्लैक सी तो इस 2021 में पूरे साल न्यूज़ में था, क्यों था, अब देखो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, एक रशिया की वॉरशिप थी मॉस्कोवा, राइट, वो सिंक हुई है, इट इज़ बेसिकली फेमस नोन रशियन ब्लैक सी फ्लीट, सो अभी सिंक हुई है, पर हमें ये नहीं पता कि यूक्रेन मिसाइल स्ट्राइक की हुई है या फिर उस शिप में फायर हो गई थी, ये रीजंस चलो वो अननेसेसरी है, पर हमें पता है कि एक शिप सिंक हुई है मॉस्कवा, ये ध्यान रखना। ऑलराइट सो व्हाट ऑल यू नीड टू नो अबाउट ब्लैक सी, एक तो ब्लैक सी में सिंक हुई है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज यूएक्सिन सी, पहली बार, ओके और ये इनलैंड सी ऑफ द वर्ल्ड है, बिकॉज ये ओशन से कनेक्टेड नहीं है, इनलैंड सी है। ओके ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे मेडिटेरियन सी, एजियन सी से कनेक्टेड, यहाँ पे सी ऑफ मरमरा, सी ऑफ मरमरा से फिर ब्लैक सी, और यहाँ पे सी ऑफ अजोफ, ये ध्यान रखना, ब्लैक सी, सी ऑफ अजोफ, सी ऑफ मरमरा, एजियन सी, मेडिटेरियन सी, ये लोकेशन से याद रखनी है पहले। देन दिस लोकेशन इज ब्लैक सी में कौन सा है, जो 2014 में ऑक्यूपाई किया था रशिया ने क्रीमियन पेनिनसुला, क्योंकि यहाँ पे एक फेमस पोर्ट है सेवास्टोपोल, वार्म वाटर पोर्ट, दिस थिंग यू नीड टू कीप इन रिमेंबर। ओके देन इट इज़, फिर आपको आइडिया होना चाहिए यहाँ पे माउंटेन्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे माउंटेन्स है पॉन्टिक क्रीमियन माउंटेन्स एंड कॉकेशियस माउंटेन्स, कॉकेशियन कंट्रीज होती है जॉर्जिया आर्मेनिया, तो कॉकेशियस माउंटेन्स, स्पेलिंग गलती, कॉकेसस माउंटेन, ऑलराइट, सो पॉन्टिक इन द साउथ, ईस्ट में कॉकेसस, नॉर्थ में क्या है क्रीमियन माउंटेन्स, ये ध्यान रखना, टर्की में है पॉन्टिक माउंटेन्स, ऑलराइट। अब देखो कनेक्टेड हो रही है ब्लैक सी से, सी ऑफ मरमरा कनेक्टेड है, राइट, तो कौन कौन सी कनेक्ट कर रही है स्ट्रेट्स, दो स्ट्रेट्स है जो आपको पता होना चाहिए, बॉस्पोरस एंड डार्डेनल्स एंड बॉस्पोरस स्ट्रेट्स, ये ध्यान रखना, सी ऑफ मरमरा, ब्लैक सी, ओके देन ब्लैक सी इज कनेक्टेड टू सी ऑफ अजोफ, यहाँ पे कौन सा स्ट्रेट है, दिस इज स्ट्रेट ऑफ कर्च, दिस थिंग कीप इन माइंड। देन क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं बॉर्डरिंग, क्योंकि यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है मेडिटेरेनियन सी के अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज है, कौन कौन सी बॉर्डर करती है, ऐसे ब्लैक सी से भी आ सकता है, ब्लैक सी के अराउंड कौन से, रशिया, यूक्रेन, देखो मॉल्डोवा लैंड लॉक्ड है, ये ध्यान रखना, इट इज़ नॉट टचिंग,
रोमानिया, बल्गेरिया, टर्की, देन यहाँ पे जॉर्जिया। तो ये कंट्रीज़ है, ये ध्यान रखना। ऑलराइट, नोन एज यूक्सिन सी, इनलैंड सी, मार्जिनल सी ऑफ द अटलांटिक ओशन है, देन पॉन्टिक, कॉकेकस, क्रीमियन, हमने ये देख लिया। देन टर्किश स्ट्रेट कौन से, डार्डेनल्स, बॉस्फोरस एंड मार्मरा सी, जो ट्रांजिशनल जोन फॉर्म करते हैं बिटवीन मेडिटेरेनियन एंड ब्लैक सी। सी ऑफ अजोब से कनेक्टेड बाय स्ट्रेट ऑफ कर्च, एंड बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी, रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, टर्की, बल्गेरिया, रोमानिया। ये ध्यान रखना, माल्डोवा नहीं थी क्योंकि वो लैंडलॉक्ड है। ऑलराइट, सो नाउ कम्स नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रणीता रिवर। ये यूपीएससी का फेवरेट रिवर ही है। यूपीएससी ने दो बार इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा, पर यूपीएससी ने इस पर एज एन ऑप्शन दो या तीन बार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछ चुकी है, बिकॉज इट इज़ एन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटी ऑफ गोदावरी रिवर। ओके, सो रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों था, एक मेगा रिवर फेस्टिवल था, तो प्रणीता एक गॉडेस का भी नाम है, तो गॉडेस को वर्शिप करने के लिए प्रणीता रिवर में मेगा रिवर फेस्टिवल था, राइट। और किन्होंने सेलिब्रेट किया था, डिवोटीज ने किया था, और कहाँ पे आए थे, कलेश्वरम, दे केम टू कलेश्वरम, ये ध्यान रखना। ओके, सो प्रणीता रिवर की इंपॉर्टेंस क्या है, बेसिकली इट इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटी ऑफ गोदावरी, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटी ऑफ गोदावरी रिवर, राइट। इट फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन तेलंगाना एंड महाराष्ट्र रिवर, सॉरी महाराष्ट्र स्टेट। कहाँ पे ओरिजिनेट हो रहा है, थुम्बी डी हट्टी, आसिफाबाद, तेलंगाना। और कैसे फॉर्म हो रहा है, वर्धा, वेन गंगा एंड वर्धा रिवर आ रही है, वो मर्ज होकर क्रिएट कर रही है प्रणीता रिवर, एंड वो फिर ट्रिब्यूटरी बन रही है गोदावरी रिवर की। एंड प्रणीता फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन यहाँ पे तेलंगाना है, यहाँ पे महाराष्ट्र है। ओके, और फिर और ये प्रणीता रिवर गोदावरी में कहाँ पे मिल रही है, इट इज़ मीटिंग एट कलेश्वरम, जहाँ पे अभी मेगा रिवर फेस्टिवल हुआ था सेलिब्रेट। सो आउटफ्लो इन गोदावरी रिवर नियर कलेश्वरम, ये ध्यान रखना। तो वहाँ पे कलेश्वरम इरीगेशन प्रोजेक्ट है, जो हम इरीगेशन के लिए वाटर सप्लाई कर रहे हैं, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रणीता शेवल प्रोजेक्ट, राइट। तो उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से, गोदावरी की प्रणीता एंड इंद्रावती, ये ध्यान रखना। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लीज पॉज द वीडियोस एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। ऑल राइट, इस क्वेश्चन के कंसिडर फॉलोइंग रिवर्स विच ऑफ द अबव आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी। तो अभी हमने देखा इंद्रावती, प्रणीता ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी है। डायरेक्ट क्वेश्चन देखो अपने जो पढ़ा था, टू एंड थ्री तो आंसर है ही है, वंशधरा नहीं है, पेनार नहीं है, पेनार साउथ में है, मतलब यहाँ पे पेनार है, आंध्रा में फ्लो कर रही है ये। देन वी हैव वंशधरा, वंशधरा बेसिकली आंध्रा एंड उड़ीसा की बाउंड्री क्रिएट करता है, बट इट इज़ नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। वंशधरा भी यूपीसी का फेवरेट रिवर है, इस पर भी दो तीन बार क्वेश्चन आ चुका है। सो आंसर क्या रहेगा इसका, डी, टू एंड थ्री ओनली। फॉकलैंड आइलैंड्स, फॉकलैंड आइलैंड्स न्यूज़ में था। वाई फॉकलैंड आइलैंड्स इज इन न्यूज़, बिकॉज अभी रिसेंटली कमीशन फॉर डायलॉग हुआ था यूनाइटेड किंगडम के साथ, और किसने इनॉग्रेट किया था, इंडिया एंड अर्जेंटीना। सो इंडिया, अर्जेंटीना एंड यूके के बीच में था कमीशन फॉर डायलॉग। तो देखो फॉकलैंड आइलैंड कहाँ पर प्रेजेंट है, ये साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे एक आइलैंड है फॉकलैंड आइलैंड। तो ध्यान रखो यहाँ से एक कोल्ड करंट भी आती है, फॉकलैंड करंट्स, राइट। और फॉकलैंड आइलैंड्स में किसका कंट्रोल है, यूके का, ब्रिटेन की कॉलोनीज थी, सो फॉकलैंड आइलैंड वाज वन ऑफ देम। तो ये अटलांटिक ओशन के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, एंड सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ साउथ अमेरिका, एंड दे आर ऑल्सो नोन एज मालविनास आइलैंड्स। ओके, तो फिर से अगेन यहाँ पे एक सिटी है स्टैनले, याद रखना स्टैनले कहाँ पे है, फॉकलैंड आइलैंड्स, बिकॉज नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में सिटीज़ को अरेंज करना आता है। और यहाँ पे फेमस माउंटेन है माउंट प्लेजेंट, जहाँ पे रॉयल एयरफोर्स बेस है, बेसिकली ब्रिटेन का एयरफोर्स बेस। ओके, तो टू मेन आइलैंड्स, ईस्ट आइलैंड, वेस्ट आइलैंड, वेस्ट ईस्ट आइलैंड, फॉकलैंड को डिवाइड करके डायरेक्शन के बेसिस पे। ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक इन न्यूज इज पैंगोंग लेक। पैंगोंग लेक याद करो, थ्री इडियट्स वाला। ओके, सो अभी क्या रिसेंटली न्यूज़ में क्या होता है, इंडिया क्लोजली मॉनिटर कर रहा है पैंगोंग लेक में ना ब्रिज कंस्ट्रक्शन कर रहा है चाइना, राइट। सो
इंडिया क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, और कहाँ पे लोकेटेड है, लद्दाख में। इंडिया है, एलएसी बाउंड्री है, एलएसी बाउंड्री के क्रॉस हमें पैंगोंग लेक मिल रही है, तो वहाँ पे क्या कर रहा है, चाइना ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर रहा है। ओके, सो पैंगोंग सो, राइट, पैंगोंग का मतलब होता है कंक्लेव, लद्दाखी में, सो मीन्स लेक, तिब्बतन लैंग्वेज में कंक्लेव लेक, तो पैंगोंग सो मीन्स कंक्लेव लेक, ऑलराइट, ये ध्यान रखना। एंड ये बनी कहाँ पे है, देखो यूरेशियन प्लेट थी, इंडियन प्लेट, तो उनके बीच में क्या था, तेथिस, तेथिस सी थी, और यू कैन से तेथिस जियोसिंक्लाइन। सो ये लेक कहाँ बन रही है, ये तेथिस जियोसिंक्लाइन वाले रीजन में बनेगी, तो ये ध्यान रखना। सो इट इज़ फॉर्म फ्रॉम तेथिस जियोसिंक्लाइन, हाइट ध्यान रखना 14,000 फीट, राइट, कंक्लेव लेक बोलते हैं। ऑलराइट, सो पैंगोंग लेक है क्या बेसिकली, जो आपको क्लियर होना चाहिए, पैंगोंग लेक के नॉर्थ में एक माउंटेन, अगर इंडिया का मैप बनाते हैं अच्छे से, दिस इज पैंगोंग लेक, तो पैंगोंग लेक में माउंटेन्स आ रहे हैं, कौन से आ रहे हैं, कराकोरम माउंटेन्स, कराकोरम माउंटेन रेंजेस, वो जो एंड हो रहा है वो कहाँ पे एंड हो रहा है, पैंगोंग लेक के नॉर्थ साइड, और कराकोरम माउंटेन्स हमें कहाँ मिलते हैं, इंडिया में, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, ये ध्यान रखना। और वहाँ पे वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है K2, अदरवाइज हाईएस्ट पीक तो हमें पता है वर्ल्ड की कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। ओके, और इसके सदर्न बैंक में क्या है, कुछ छोटे छोटे माउंटेन्स है, ब्रोकन माउंटेन्स, सो बेसिकली दे हैव स्पैंगुल लेक, और जो लेक का वाटर है क्या है, क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल क्लीन क्लियर दिखेगा, पर ब्रैकिश है, जिसकी वजह से अनड्रिंकेबल है। ओके, सो नाउ इशू क्या है बेसिकली, यहाँ पे डिस्प्यूट क्यों है, अब देखो इंडिया और चाइना के बीच में जो लद्दाख कश्मीर वाले रीजन में है, लद्दाख वाले रीजन में, वहाँ पे LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। सो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यूजली हमें क्या मिलती है, लैंड पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मिलती है, डिवाइड हो रही है, वाटर बॉडी क्या होती है, कम्प्लीटली एक तरफ होती है, या तो इंडिया की तरफ या फिर चाइना की तरफ, पर अभी के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इट पासिस फ्रॉम द मिडल ऑफ दी दिस पैंगोंग सो। ऑलराइट, सो बेसिकली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जनरली रन्स अलोंग दी लैंड एक्सेप्ट फॉर दी विड्थ ऑफ दी पैंगोंग सो। सो हेयर यहाँ पे क्या, पैंगोंग सो में इट रन्स थ्रू दी वाटर, वाटर के बीच में से लाइन मूव कर रही है। सो इंडिया कंट्रोल करता है सिर्फ 45 किलोमीटर स्ट्रेच, बाकी चाइना कंट्रोल करता है अराउंड, इसमें कितने किलोमीटर का स्ट्रेच था, 135 किलोमीटर स्ट्रेच, तो इंडिया सिर्फ 45 किलोमीटर कंट्रोल करता है। दिस थिंग यू नीड टू नो अबाउट, बस और कुछ नहीं बताना चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट लेक जो न्यूज़ में है, पवई लेक। अब देखो पवई लेक कहाँ पे है, मुंबई है, मुंबई में लेक आर्टिफिशियल लेक है, ये IIT बॉम्बे के पास में है ये लेक, पवई लेक। तो रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था, जो ब्रेन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन BMC है, राइट, तो बेसिकली उन्होंने वो क्या करते, वहाँ पे जॉगिंग लेक के अराउंड जॉगिंग ट्रैक बिल्ड कर रहे थे, साइकिलिंग एंड जॉगिंग ट्रैक, पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने में बिल फाइल हुई है जो चैलेंज कर रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस, एंड दे आर सीइंग बिल्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ साइकिल ट्रैक इज इलीगल, इसलिए न्यूज़ में था। ऑलराइट, सो व्हाट ऑल यू नीड टू नो अबाउट पवई लेक, अब लेक है तो ऑब्वियसली वेटलैंड का कॉन्सेप्ट आएगा, इट हैज़ बीन रिकग्नाइज एज वेटलैंड, कहाँ पे लोकेटेड है, मुंबई में, और ये आर्टिफिशियल मैन मेड, ध्यान रखना, जैसे अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा था हमने, UPSC डायरेक्टली पूछ रही है लेक आर्टिफिशियल एंड नेचुरल, सो इट इज़ एन आर्टिफिशियल लेक। और ये कैसे बना है, एक मिथी रिवर मुंबई से फॉलो करती है, उस पर डैम्स बिल्ड किए थे, अब डैम्स बिल्ड किए तो रिजर्वायर बनेगा, रिजर्वायर से क्या है, लेक बन गया, राइट। सो बेसिकली रिजर्वायर क्यों क्रिएट किया था, वाटर सप्लाई करने के लिए मुंबई में, पर अब क्या हो रहा है, पोल्यूशन स्प्रेड हो रहा है, तो ड्रिंकिंग वाटर ही नहीं बन पा रहा, इट इज़ अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, और बेसिकली इट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट डंप कर रहे हैं हम, राइट। सो हमने इसको मैनेज करने के लिए क्या किया था, महाराष्ट्र स्टेट एंगलिंग एसोसिएशन, जिस राइट वो हमने क्रिएट किया था 1936 में, जो कंट्रोल और मैनेज करती है इस लेक को। ऑलराइट, सो 1995 में एक प्रोजेक्ट लेके आए थे, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान,
जिसमें इंडिया के 10 लेक्स पे हमने कहा था कि उसको रिवाइव और इम्प्रूव करेंगे, तो उनमें से एक लेक कौन सी थी? पवई लेक, ये ध्यान रखना। और ओके ओके, तो बीएमसी ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था 2002 में, तो इसकी वजह से क्या हो गया, कंडीशन ऑफ द लेक हैज़ इम्प्रूव टू सम एक्सटेंट। अभी भी इतना यूजेबल नहीं है, पर स्टिल इम्प्रूव हो रहा है, हो गया। ऑलराइट, आई वंस विजिटेड दिस लेक, तो आई नो कि हाँ यहाँ पे इम्प्रूव हो रहा है कंडीशंस। ऑलराइट, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अब देखो, अंडमान निकोबार आइलैंड्स फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, हर बार क्वेश्चन आता है इस पर, क्लाइमेट पे आ जाएगा, वेजिटेशन पे आ जाएगा, लोकेशन इसके इतने टाइप्स है। तो एक तो आपको क्लियर होना चाहिए अंडमान निकोबार आइलैंड्स कैसे है, अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। इसमें सबसे ऊपर नॉर्थ अंडमान, फिर बीच में मिडल अंडमान, लोअर अंडमान, कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। कहाँ पे? लोअर अंडमान, ध्यान रखना। फिर लिटिल अंडमान, फिर यहाँ पे क्या है? डंकन पैसेज जो सेपरेट करता है अंडमान एंड अंडमान फ्रॉम निकोबार, ये ध्यान रखना। तो लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार को सेपरेट कर रही है, और यू कैन से दिस अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स फ्रॉम निकोबार आइलैंड्स। एक्चुअली यहाँ पे एक और आएगा आइलैंड, इसमें मेंशन नहीं है, साउथ अंडमान। तो बेसिकली डंकन पैसेज सेपरेट करते हैं लिटिल एंड साउथ अंडमान, राइट, ये ध्यान रखना। ओके, एंड जो प्रॉपर अंडमान आइलैंड्स को जो निकोबार आइलैंड से सेपरेट कर रहा है लाइन, उसको हम बोलते हैं 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री लैटिट्यूड है। कीप दिस इन माइंड, बेसिक डंकन पैसेज 10 डिग्री चैनल, बिकॉज यूपीएससी ने डायरेक्टली पूछा हुआ है डंकन पैसेज किसे सेपरेट कर रहा है, 10 डिग्री चैनल किसे सेपरेट कर रहा है। ऑलराइट, तो बेसिकली न्यूज़ में क्यों था, अभी रिसेंटली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कोस्टल रेगुलेशन जोन्स होते हैं, जैसे कोस्ट एरिया वहाँ पे कोस्टल रेगुलेशन जोन्स होते हैं जो रेगुलेट करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने क्या किया, एग्जेम्प्ट करती है कि आप कोस्ट एरिया में कुछ भी करो, यू वॉन्ट बी रेगुलेटेड अंडर कोस्टल जोन्स। तो अब उसकी वजह से क्या हो गया, वी आर सेटिंग अप गैस पावर प्लांट कहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये था न्यूज़ में। ऑलराइट, निकोबार आइलैंड्स में अगर हम देखें, कार निकोबार नॉर्थ में, राइट, देन वी हैव नॉन कवरी आइलैंड, ये ध्यान रखना, लिटिल अंडमान, एंड देन वी हैव ग्रेट निकोबार, राइट। ओके, थ्री आइलैंड्स अंडमान को, नॉर्थ मिडल साउथ, इफ यू लुक एट नॉर्थ मिडल साउथ, डंकन पैसेज सेपरेट करे लिटिल एंड फ्रॉम द साउथ अंडमान, ग्रेट अंडमान, सॉरी 10 डिग्री चैनल किसे सेपरेट कर रहे हैं, अंडमान को निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड से। ऑलराइट, कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर, साउथ अंडमान में है, आई गेस थोड़ी सी एरर आई है, जो लोअर अंडमान है वही साउथ अंडमान है, साउथ अंडमान लिटिल अंडमान के बीच में यहाँ पे डंकन पैसेज है, दिस इज डंकन पैसेज नॉट दिस, उस डायग्राम में कन्फ्यूजन थी। देन लिटिल अंडमान एंड ये वाला निकोबार आइलैंड्स, इसको हम 10 डिग्री चैनल बोलते हैं, राइट, ये ध्यान रखना, जस्ट कन्फ्यूजन थी वो क्लियर कर दी मैंने, साउथ एंड लिटिल अंडमान के बीच में लोअर अंडमान को ही साउथ अंडमान बोलते हैं। ऑलराइट, सो अमंग दी, ध्यान रखना, अमंग दी निकोबार, नॉट सारी अंडमान निकोबार, अमंग दी निकोबार आइलैंड्स, ग्रेट निकोबार इज द लार्जेस्ट, और ये सदर्न मोस्ट आइलैंड है, ग्रेट निकोबार सबसे नीचे है और ये लार्जेस्ट है अमंग दी निकोबार्स, एंड इट इज़ क्लोज टू ग्रेट निकोबार, इस यहाँ पे इंडोनेशियन आइलैंड है, सुमात्रा आइलैंड। तो ये भी यूपीएससी ने पूछा हुआ है, विच ग्रुप ऑफ आइलैंड इज क्लोजेस्ट टू अंडमान निकोबार आइलैंड, सुमात्रा, जावा, ये सब, तो सुमात्रा इज दिस, कार निकोबार नदर मोस्ट है, एंड दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ, यूजली के दे आर एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स विच इज सबमर्ज अंडर वाटर, सो हमें सिर्फ क्या दिख रहा है, पीक ऑफ द माउंटेन, बाकी सारा सबमर्ज्ड है अंडर वाटर, तो उसको आइलैंड्स बोलते हैं। तो दे आर वॉल आइलैंड सिमिलर टू द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस, और फिर धीरे धीरे उनमें फ्यूचर में वहाँ पे क्या है, कोरल्स डिपॉजिट हो गए, सो नाउ दे हैव बिकम कोरल आइलैंड्स। तो किस चीज़ से बने हुए, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड शेल से, एंड अल्ट्रा बेसिक वॉल्केनोस, ये ध्यान रखना, ऑल्सो बेसिक, बेसिक इज द मटीरियल, कैसा लावा था वहाँ पे। ओके, देन अंडमान निकोबार के ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में एक फेमस आइलैंड है, बैरन एंड नारकोंडम आइलैंड्स, ये क्या है, वॉल्केनिक माउंटेन्स है, ये ध्यान रखना, बैरन एक्टिव वॉल्केनिक माउंटेन है, नारकोंडम डॉर्मेंट है, यू कैन से,
बहुत टाइम से इरप्ट नहीं हुआ। बैरन अभी हुआ था रिसेंटली, 2017 में हुआ था राइट। और मेनलैंड इंडिया में कोई एक्टिव वॉल्केनो नहीं है, ध्यान रखना। कोरल्स प्रेजेंट है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, कोरल रीफ्स प्रेजेंट है, माउंटेन्स प्रेजेंट है। हाईएस्ट माउंटेन कौन सा? सैडल पीक। कहाँ पे है? नॉर्थ अंडमान में, ये ध्यान रखना। अरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लीज़ सॉल्व कर लो। 10 डिग्री चैनल कौन सेपरेट करता है? प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड सॉल्व। ऑल राइट, सो 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स, अभी देखा अंडमान एंड निकोबार, आंसर इज ए। ओके नेक्स्ट टॉपिक इज डल लेक। डल लेक क्या है? बेसिकली अभी रिसेंटली क्या है, हर लेक में वही जैसे नाइल रिवर था वैसे ही डल लेक में भी क्या हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। सो अब उसको टैकल करने के लिए हम क्या करें, वी आर रेजुनेटिंग डल लेक थ्रू इनिशिएटिव स्टार्ट किया लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मनोज सिन्हा, जो कश्मीर के लेफ्टिनेंट है गवर्नर यू कैन से। तो उन्होंने क्या स्टार्ट किया, इनिशिएटिव अथवास। तो ये है डल लेक का। सो बेसिकली अथवास क्या होगा, इट इज़ अ कोलैबोरेशन बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। सो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन रहेगी। और हम क्या करेंगे, पोल्यूशन है तो डीवीडिंग जो वीड्स ग्रो रहे उसको हटाएंगे, और जो एक्स्ट्रा सिल्स कलेक्ट हो रहे हैं उसको हटाएंगे, ड्रेजिंग मैकेनिज्म। सो डीवीडिंग, ड्रेजिंग, पार्टनरशिप बिटवीन सिटीजन एंड अथॉरिटीज़, ये ध्यान रखना। ऑल राइट, डल लेक इंपॉर्टेंस क्यों है? डल लेक इज बेसिकली डल रीजन, ये कहाँ पे, श्रीनगर में है। ऑल राइट, सो इट इज़ अ समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये ध्यान रखना। ऑल राइट, और यू कैन से एंड डल लेक इज़ व्हाट, इट इज़ नोन एज ज्यूल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर और श्रीनगर ज्वेल। और किसके लिए इंपॉर्टेंट है, फिशिंग एंड वाटर प्लांट हार्वेस्टिंग, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, लेक कहाँ लोकेटेड है, इट इज़ लोकेटेड इन द वैली। बेसिकली माउंटेन्स कौन से है, शंकराचार्य माउंटेन्स है, उसके फुटहिल्स पे वैली है। तो वो कौन सी वैली है, जबरवान माउंटेन वैली, दिस ये ध्यान रखना। और इसमें क्या है, इट इज़ कनेक्टेड टू लार्ज बेसिन्स, फोर बेसिन्स है बीच में डल लेक, कनेक्टेड टू लार्ज वाटर बेसिन्स, हजरत बल, बोध दल, गगड़ी बल, नगीन, ये ध्यान रखना। और इसमें क्या, फ्लोटिंग गार्डन्स जैसे फुमडीज हमें मिलते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, प्लीज़ कमेंट इन दी वीडियोस, फुमडीज कहाँ मिलते हैं। ऑलराइट, वो क्या, वो भी फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ऐसे हमें फ्लोटिंग गार्डन्स मिलते हैं यहाँ पे, जिनको हम क्या बोलते हैं, राट राइट। एंड वहाँ पे हमें फेमस लोटस फ्लास, लोटस कहाँ फिल ग्रोथ है, कीचड़ में, कमल का फूल, हमारी बीजेपी सरकार, यस। तो कब होता है, जुलाई एंड अगस्त में, ध्यान रखना। ऑलराइट, ओके नेक्स्ट टॉपिक जो न्यूज़ में है, ज़मीनी आइलैंड, इसको स्नेक आइलैंड्स भी बोलते हैं, स्नेक आइलैंड या फिर सरपेंट आइलैंड, ये न्यूज़ में क्यों था? अभी क्या है, वहाँ पे ज़मीनी आइलैंड्स में रशियन मिलिट्री फोर्सेस थे, तो वहाँ पे यूक्रेन ने अटैक किया एंड उनको बहुत सेटबैक फील हुआ रशिया को। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, ब्लैक सी, जो अभी हमने देखा था, इसको स्नेक आइलैंड, सरपेंट आइलैंड भी बोलते हैं। और बेसिकली क्या, ये आइलैंड के एक स्मॉल पीस ऑफ रॉक है जिसकी हाइट लेस देन 700 मीटर है, और ये किसको बिलोंग करता है, यूक्रेन को। और इसमें हमने इलीगली रशिया ने ऑक्यूपाई किया था, तो यूक्रेन ने अटैक किया था राइट। और यहाँ पे एक्चुअली एक विलेज है, विलेज बाय द नेम ऑफ पाइल। तो एंशियंट रिकॉर्ड्स में आपको ज़मीनी आइलैंड के बारे में कैसे पता चलेगा, बाय द नेम ऑफ विलेज ऑफ पाइल। ऑलराइट, तो बेसिकली कहाँ लोकेटेड है, एट द माउथ ऑफ द रिवर दनुबे, इंपॉर्टेंट रिवर है, ये ध्यान रखना। और दनुबे रिवर क्या बना रही है, बाउंड्री बिटवीन रोमानिया एंड यूक्रेन, ये यूक्रेन, ये रोमानिया, इनकी बाउंड्री में दनुबे रिवर। और ये कहाँ इंटर कर रही है, ब्लैक सी में। और ये कहाँ लोकेटेड है, साउथ वेस्ट ऑफ द यूक्रेन का एक सिटी है पोर्ट ओडिशा, हमारा ओडिशा नहीं, इसका अलग ओडिशा है, तो उसके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लोकेटेड है ये। ऑलराइट, एजेंसी भी हमने देखा था, देखो सब न्यूज़ में हमने है, ब्लैक सी, सी ऑफ मरमरा, फिर एजेंसी और फिर मेडियन सी, यही हमने देखा था पुराने मैप्स में। ऑलराइट,
सो अभी के एजियन सी में कुछ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जिसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं एजियन सी के नाम पे, ये एजियन आइलैंड्स। तो उस पर क्लेम कौन कौन कर रहे हैं? एजियन आइलैंड्स जो सारे हैं ग्रीस एंड टर्की दोनों क्लेम कर रहे हैं। तो इनके बीच में ट्रीटी साइन हुई थी कि हम उसको डीमिलिटराइज करेंगे, कोई आर्मी नहीं प्रेजेंट होगी, राइट। बट व्हाट हैज हैपेंड, वहाँ पे मिलिट्री प्रेजेंस है, ग्रीस की इंक्रीज हो रही है, तो टर्की ने वॉर्न किया। ओके, सो मेडिटेरेनियन सी का पार्ट है ये, ग्रीक और एशिया माइनर मीन्स टर्की के बीच में लोकेटेड है, राइट। उसके ऊपर जो नेशंस है वो बल्कान रीजन, सदर्न बल्कान, एनाटोलियन पेनिनसुला, बेसिकली हम टर्की के पेनिनसुला की बोलते हैं, एनाटोलियन माउंटेन्स है वहाँ पे, तो इसलिए वी टॉक वी से एनाटोलियन पेनिनसुला। ऑलराइट, तो अब ये देखो एजियन सी, मेडियन सी, यहाँ पे सी ऑफ मरमरा, तो ये कैसे लोकेटेड है? वाया स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स। और सी ऑफ मरमरा ब्लैक सी से किससे लोकेटेड, कौन से स्ट्रेट से? बॉस्पोरस। सो ये ध्यान रखना। देन इसके एजियन सी की वेस्ट में एक सी है, आयोनियन सी, राइट, ये ध्यान रखना। एंड आइलैंड ऑफ क्रेट उसके साउथ में जो बाउंड्री मार्क कर रहा है। दिस इज आइलैंड ऑफ क्रेट, तो एजेंसी है, तो एजेंसी की सदर्न बाउंड्री कौन मार्क कर रहा है? क्रेट। कीप दिस थिंग इन माइंड, सी ऑफ मरमरा, तो सी ऑफ मरमरा कैसे कनेक्टेड है? वाया स्ट्रेट ऑफ डार्डानेल्स। ओके, एजियन सी की में क्या है, यहाँ पे मोस्ट फेमस या कैन से वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस थी, किस किस की? क्रेट एंड ग्रीसेस की। क्रेटा मत याद कर लेना, हंडाई की, दिस इज क्रेट। ऑलराइट, ओके, सो नाउ व्हाट वी हैव इन द न्यूज, नेक्स्ट टॉपिक इज यंगटी कुटी वैली। तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या मिले, ग्लेशियल एडवांसेस मिले। ये बेसिकली क्या है, दिस इज इंडिया, ये नेपाल, नेपाल के यहाँ, इंडिया के यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट में कौन सा रीजन है? पिथौरगढ़, पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। ऑलराइट, तो वहाँ पे क्या है, उसके पिथौरगढ़ के डिस्ट्रिक्ट के ईस्टर्न पार्ट में कौन सी वैली लोकेटेड है? यंगटी कुटी वैली। तो वहाँ पे हमें क्या मिला, ग्लेशियल एडवांसेस, ग्लेशियल इंक्रीज हो रहा है। और ग्लेशियल चेंजेस कैसे हो रहे हैं, जैसे क्लाइमेट वेरिएबल हो रहा है लास्ट फिफ्टी टू ईयर्स में, वैसे ही ग्लेशियर्स में चेंजेस आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग मेल्ट हो रहा है, कूलिंग हो रही है, इंक्रीज हो रहा है। तो हमें ये दिख रहा है, तो ये कहाँ लोकेटेड, पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है, इस उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट जो नेपाल के साथ बॉर्डर पे है, राइट। सो पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लास्ट वैली है बिफोर यहाँ पे क्या स्टार्ट हो रहा है, तिब्बत, उसके नॉर्दर्न साइड में, ईस्टर्न साइड में नेपाल है, राइट। और जो ये वैली है कैसे लोकेटेड है, इन दिस डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन, राइट। और यहाँ पे एक रिवर फ्लो करती है, कुटी वैली है तो कुटी रिवर फ्लो करेगी, जो किसकी ट्रिब्यूटरी है, इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ काली रिवर। अभी हमने देखा काली रिवर, सरदा रिवर, महाकाली रिवर, जो ट्रांसबाउंड्री बनाती है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। ओके, इस वैली में जो लोग रहते हैं, कौन सी रहते हैं, भोटियास कम्युनिटी के रहते हैं, उसमें पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक कम्युनिटी है, ब्यांसेस, ध्यान रखना। और भी है भोटियास कम्युनिटी के, जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, कौन कौन से हैं इसी वैली में, ब्यांसेस के साथ और कौन रहते हैं, जौहार कम्युनिटी, दरमिया, चौदंसी, ये कम्युनिटीज है। सो यंगटी कुटी वैली पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, इसके नॉर्थ में तिब्बत स्टार्ट हो रहा है, काली रिवर की ट्रिब्यूटी फ्लो करती है कुटी रिवर, और कम्युनिटीज कौन सी है, जौहार, दरमिया, चौदंसी, लास्ट वैली बिफोर तिब्बत, उत्तराखंड, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट एक्सिस, रिवर कुटी, काली रिवर, कौन सी है, ब्यांसेस कम्युनिटी डोमिनेट करती है, पर और भी है, जौहार, दरमिया, चौदंसी। और याद रखना उत्तराखंड के ईस्टर्न पार्ट के कुमाऊं रीजन, वेस्टर्न पार्ट को हम घरियाल बोलते हैं, दीज आर सब रीजन्स, ये ध्यान रखना। ऑलराइट, नेक्स्ट रिवर दैट इज इन न्यूज इज कालीबेन रिवर। कालीबेन रिवर के अभी रिसेंटली पंजाब के सीएम
गए थे उसे कालीबंग की रिवर का पानी पिया बिकॉज रिलीजियस वाटर रिलीजियस रिवर को मानते हैं और बीमार हो गए. सो ही गॉट इल तो इसको उनको हॉस्पिटल में रखना पड़ा. तो कालीबंग रिवर के बेसिकली सुल्तानपुर लोधी जहाँ पे गुरु नानक जी थे उनका फेमस टेम्पल है तो वहाँ से फ्लो करती है टेम्पल नहीं सॉरी गुरुद्वारा. तो कालीबंग रिवर राइट तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है होशियारपुर में एक विलेज है धनो रिवर विलेज. धनो से शुरू होके ये कहाँ मिलती है कपूरथला में. धनो से स्टार्ट हुई कपूरथला तो कपूरथला में क्या हो रही है कपूरथला में एक ब्यास रिवर एंड सतलुज रिवर उसकी मीट हो रही है वहाँ पे ये मिलती है कालीबंग राइट. और इसको कालीबंग क्यों बोलते हैं बेन मीन्स रिवर पर काली क्यों बोलते हैं क्योंकि इस रिवर में बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं हमें तो जितने वेस्ट वाटर फ्रॉम अर्बन एरियाज इंडस्ट्रीज सारे वो इस रिवर में डंप करे जा रहे हैं तो उसकी वजह से बहुत सारी मिनरल्स प्रेजेंट है और रिवर काली हो गई है. तो काली काला पानी राइट इंपॉर्टेंट टू सिख रिलीजन बिकॉज सुल्तानपुर लोधी से आ रहे हैं वहाँ पे फेमस गुरु नानक देव जी का गुरुद्वारा है और यहाँ पे क्या गुरु नानक देव जी को एनलाइटनमेंट मिली थी ये ध्यान रखना. जैसे बुद्धा को कहाँ मिलती ये आपके लिए क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ कहाँ उन्हें एनलाइटनमेंट मिली थी. ऑलराइट सो गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं ही वॉज स्टेइंग एट सुल्तानपुर लोधी विद हिज वाइफ सिस्टर बेबे नानकी. तो जो वो कालीबंग में नहाते थे पर आज के टाइम पे पंजाब सीएम नहा रहे हैं तो बीमार हो रहे हैं राइट. सो बेसिकली वो एक दिन के लिए पानी में गायब थे गुरु नानक देव जी और फिर जब बाहर निकले 3 दिन के बाद तो उन्होंने फर्स्ट सबसे पहले वर्ड क्या बोला था मूल मंत्र. तो क्वेश्चन आ सकता है मूल मंत्र कहाँ पे बोला था गुरु नानक देव जी ने. ऑलराइट नेक्स्ट जो टॉपिक न्यूज़ में अनंग ताल लेक तो सेंटर ने ऑर्डर दिया कि हम इसको रिस्टोर करेंगे. अनंग ताल लेक कहाँ पे दिल्ली के मैरौली रीजन में राइट. सो साउथ मैरौली कहाँ पे साउथ दिल्ली में ओके. सो दिल्ली है साउथ दिल्ली में है उस वहाँ पे हमें क्या मिल रहा है अनंग ताल लेक. तो उसी के पास नियर बाई एक टेम्पल है जोग माया मो माया जोग माया टेम्पल और ये कुतुब कॉम्प्लेक्स के पास है कुतुब मीनार राइट. तो ये किसने बनाया था अनंग ताल लेक तो तुमार किंग था कौन अनंग पाल तो ये उसने बनाया था. याद करो हरियाणा के सिविल सर्विसेज में पिछले साल इस पे क्वेश्चन भी आया था तुमार किंग पे. तो अनंग पाल कौन थे बेसिकली ही वॉज द ग्रैंड फादर ऑफ पृथ्वीराज चौहान. ऑलराइट सो बेसिकली पहले इसको एज ए जनरल रिजॉर्ट के लिए यूज़ करते थे पर अब ये इसमें पानी ख़त्म हो गया तो कल्टीवेशन पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं. और साथ में क्या कहा जाता है अलादीन खिलजी जिसने कुतुब मीनार का एक्सटेंड किया था तो उसने पानी कहाँ से यूज़ किया था इस टैंक में से अनंग ताल लेक में से ये ध्यान रखना ओके. सो अनंग पाल तुमार कौन थे ही वॉज पॉपुलर नोन एज अनंग पाल तुमार ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिल्ली का पुरी. दिल्ली का पुरी क्या है जो बाद में एक्सपैंड होकर दिल्ली बना है तो ध्यान रखना दिल्ली का पुरी दिल्ली की फाउंडेशन अनंग पाल तुमार ने की थी दिल्ली का पुरी से. और ये हमें कैसे पता चला लॉर्ड कनिंगम ने इंस्क्रिप्शन डिस्कवर की थी स्टोन इंस्क्रिप्शन उस पर लिखा था और उससे आइडिया लगा था अनंग पाल तुमार क्या था ही वॉज द रूलर ऑफ द प्रेजेंट डे दिल्ली एंड हरियाणा कब 8th से 12th सेंचुरी के बीच में. और इसके ग्रैंडसन कौन थे पृथ्वीराज चौहान जो हमारे अक्षय कुमार जी मूवी लेके आए हैं. ऑलराइट लेक करता ये नेक्स्ट टॉपिक है न्यूज़ में. तो लेक करता में क्या बेसिकली एक ड्रॉट वाली कंडीशन आ गई है वाटर लेवल कम हो रहा है तो इटली में ड्रॉट वाली कंडीशन है वर्स्ट इन डेकेड्स उसकी वजह से लेक करता का वाटर लेवल कम हो गया ओके. सो लेक करता को बेसिकली हम क्या बोलते हैं एक और टर्म है बेनाको रिवर बेनाको भी बोलते हैं और ये इटली की लार्जेस्ट लेक है ये ध्यान रखना बेनाको लेक भी बोलते हैं लार्जेस्ट लेक इन इटली. ऑलराइट सो रिसेंटली अभी हुआ क्या है इटली में क्या हुआ है लास्ट ईयर लोअर रेनफॉल हुई 2022 में लोअर रेनफॉल एंड स्नोफॉल भी कम हुई सर्दियों में तो इसकी वजह से क्या हो गया जो उसकी इंपॉर्टेंट एक रिवर थी पो रिवर उसका 70% वाटर कम हो गया है तो उसको फीड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं लेक करदा में से इसमें वाटर फीड कर रहे हैं जैसे इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट्स हम इंडिया में ला रहे हैं.
और पो रिवर से क्या वाटर्स कहाँ जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर के लिए, राइट। और पो रिवर के लॉन्गेस्ट रिवर, ये लॉन्गेस्ट रिवर है पो रिवर, लेह करदा के लार्जेस्ट लेक है। सो लेह करदा से पो रिवर में वाटर हम फ्लो कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या है, लेह करदा का पानी कम हो रहा है। और लेह करदा इज़ क्वाइट फेमस, अब देखो इमेज देखो कितनी सुंदर है, सिटी है और लेह करदा, तो लोग एज ए टूरिस्ट भी आएंगे। पर लेह करदा का अगर पानी कम होएगा तो क्या होएगा, व्हाट विल हैपन, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है बिकॉज टूरिज्म नहीं आएगा। सो नाउ इटली कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इटली में एक दुविधा डिलेमा में है कि पानी हम रिलीज करें पो रिवर में या ना करें। पो रिवर से वाटर जा रहा है इरीगेशन पर्पज़ के लिए, ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए, इंडस्ट्रीज़ को, पर वो पानी कहाँ से आ रहा है, लीक करता से, तो फाइनेंशियल लॉस भी हो रहा है उससे, राइट। सो इसलिए न्यूज़ में था, ध्यान रखना। लॉन्गेस्ट रिवर अलाउड मोर वाटर फ्रॉम लीक करता टू फ्लो आउट लोकल रिवर्स, पर टूरिज्म इफेक्ट हो रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक गोदावरी रिवर। अभी हमने देखा था प्रणीता रिवर, इंद्रावती रिवर, ये क्या है, गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज है। ऑलराइट, सो अभी रिसेंटली क्या था गोदावरी रिवर में, अब देखो लेक गर्दा में पानी कम हो रहा है, गोदावरी में पानी राइज हो रहा है बिकॉज अगर बारिश ज़्यादा हो जाए। सो वाटर कितना फ्लड लेवल क्रॉस कर गया था गोदावरी रिवर में, कहाँ पे, भद्रचलम तेलंगाना में, तो इसलिए न्यूज़ में था। अब देखो गोदावरी रिवर कहाँ से कहाँ तक है, ये ध्यान रखना, गोदावरी रिवर कहाँ से चलता है, त्रिअंबकेश्वर वहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, कहाँ पे, नासिक इन महाराष्ट्र है, वहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, फिर ये फ्लो कर रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन और बे ऑफ बंगाल रीच कर रहा है, उसमें बीच में इसकी प्रणीता एंड इंद्रावती, इसकी ट्रिब्यूटीज हैं। और गोदावरी के, गोदावरी को हम क्या बोलते हैं, दक्षिण गंगा भी बोलते हैं बिकॉज ये साउथ की लार्जेस्ट रिवर है, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। ओके, इस बाउंडेड कैसे है ये, इसके नॉर्थ में आपको सतमला माउंटेन्स मिलेंगे, राइट, देन यहाँ पे महादेव हिल्स, यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स, ऐसे सराउंडेड, महादेव हिल्स, सतमला, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, त्रिंबकेश्वर बे ऑफ बंगाल में इंटर करिए, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, दक्षिण गंगा बोलते हैं, सतमला हिल्स इन द नॉर्थ, साउथ में अजंता रेंज एंड महादेव हिल्स, ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स, वेस्ट में वेस्टर्न घाट्स, ध्यान रखना। और कौन कौन से, अब क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कौन कौन सी स्टेट से पास करता है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये मेजर एरियाज है। कुछ कुछ पानी कहाँ से आ रहा है, इसलिए हम वाटर बेसिन की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली उसमें कहते हैं मेन रिवर और उसकी ट्रिब्यूटीज भी, तो उसकी ट्रिब्यूटीज बाकी स्टेट से भी आ रही, कौन कौन सी, मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड पुडुचेरी, ये ध्यान रखना। ओके, देन व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, ट्रिब्यूटीज होती है, अब देखो सपोज ये रिवर ऐसे मूव कर रही है ऊपर से साउथ टू नॉर्थ, कुछ ट्रिब्यूटीज राइट साइड से आ रही है तो ये राइट साइड होगी, कुछ लेफ्ट साइड से आ रहा है तो क्वेश्चन क्या आएगा, राइट साइड ट्रिब्यूटी एंड वेस्ट साइड ट्रिब्यूटीज, तो ट्रिब्यूटीज कैसे हैं, राइट बैंक ट्रिब्यूटीज कौन कौन सी है, परवारा, मंजीरा, मनेर, अगर ऐसे मूव करिए राइट साइड से आ रही है परवारा, मंजीरा, मनेर, लेफ्ट साइड से पूर्ण, प्रणीता, इंद्रावती, सपारी, ये ध्यान रखना, राइट। और प्रणीता किससे बन रही है, वैन गंगा, पेन गंगा एंड परता से। ऑलराइट, अब गोदावरी रिवर की इंपॉर्टेंस, एक तो कुंभ मेला होता है यहाँ पे नासिक में गोदावरी रिवर पास करती है, तो सिटी वाइज भी आ सकता है, नासिक रिवर से पास करता है, और कहाँ से पास करें, नागपुर से, औरंगाबाद, राजामुंड्री, यहाँ से पास करिए गोदावरी रिवर। देन कुंभ मेला होता है कहाँ पे, नासिक में होएगा। देन इट हैज़ वेरियस इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, कौन कौन से, पोलावरम, कलेश्वरम, सदरमत, एनीकट, इचमपाली प्रोजेक्ट, श्रीराम सागर प्रोजेक्ट, तो ये ध्यान रखना, रट्टे मारने कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। ओके, देन वी हैव राइन रिवर, राइनलैंड, याद करो वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा होगा, यूरोप में जर्मनी फ्रांस इसके लिए फाइट करते थे, तो अब क्या हो गया, इसमें भी क्या है, यूरोप की सारी रिवर्स में प्रॉब्लम आ रहा है, इसमें भी वाटर लेवल कम हो गया बिकॉज ऑफ हॉट एंड ड्राई वेदर, तो इसके से मूवमेंट ऑफ शिप्स, नेविगेशन ऑफ शिप्स पॉसिबल नहीं हो पा रहा, इसलिए न्यूज़ में आई है। ओके, सो इट इज़ अ वाटर वे ऑफ द वेस्टर्न यूरोप बिकॉज ये राइन है, तो जर्मनी, फ्रांस हर इसको यूज़ कर रहे हैं वाटर वे के लिए, मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए, राइट। और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्विस के एल्प्स माउंटेन, स्विट्जरलैंड, वहाँ से स्टार्ट हो रहा है,
एक मूव करता है टूवर्ड्स ही नॉर्थ, एक मूव करता है टूवर्ड्स ही वेस्ट, यहाँ पे नॉर्थ सी की तरफ, एंड ही ट्रेन्स इनटू यहाँ पे नेदरलैंड्स, राइट? ओके, तो क्या क्या ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं? ग्रेन्स, केमिकल्स, कोल्स, ये सब ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं. एंड ऑल्सो ये क्या लिंक कर रहे हैं? इंडस्ट्रियल, यहाँ पे इंडस्ट्रियल रीजन्स है, उन सबको लिंक कर रहे हैं. कहाँ से? मार्केट से, बिकॉज वाया शिप हम वर्ल्ड की मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं. देन ऑल्सो ईस्ट में क्या है? दनुबे रिवर है, तो दनुबे रिवर कनेक्टेड है छोटी छोटी रिवर से, तो अगर वाटर लेवल ज़्यादा होता है तो शिप्स मूव कर पाती है अलॉन्ग दी राइन रिवर ऑल्सो, छोटी रिवर दनुबे रिवर में भी. तो हम शिप्स के थ्रू ही दनुबे रिवर, फिर वहाँ से ब्लैक सी, तो हम गुड्स मूव कर पा रहे हैं. तो वाटर लेवल कम होएगा तो बड़ा डिफिकल्ट होएगा. ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव इस लोकताक लेक. लोकताक लेक के बेसिकली इट वॉज इन न्यूज़. न्यूज़ में क्यों था? अभी फ़ोटो एग्जीबिशन कंडक्ट हुआ था, फर्स्ट एवर फ्लोटिंग फ़ोटो एग्जीबिशन, याद रखना, फ्लोटिंग फ़ोटो एग्जीबिशन. कहाँ पे? लोकताक लेक इन मणिपुर. जैसे हमने देखा राट फ्लोटिंग फ्लावर प्लांट्स, ऐसी मणिपुर लोकताक लेक में फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, तो फ्लोटिंग फ़ोटो एग्जीबिशन था. दैट मीन्स बिकॉज फ्लोटिंग नेशनल पार्क है यहाँ पे, तो वहाँ पे हमने एक नेशनल पार्क में एग्जीबिशन लगाया और वो फ्लोट कर रहा था, इसलिए फर्स्ट एवर फ्लोटिंग फोटो एग्जीबिशन. ये ध्यान रखना. किसने कंडक्ट किया था? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन. उसका कौन सा प्रोग्राम था? इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन एंड आउटरीच प्रोग्राम. ऑलराइट, लोकताक के बारे में. इट इज़ अ फ्रेश वाटर लेक, मणिपुर स्टेट में लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की. ये ध्यान रखना, ये हरियाणा के एग्जाम में भी आया था, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, लोकताक लेक. और यूपीएससी भी पूछ सकते हैं ऑफकोर्स. यहाँ पे फेमस के फ्लोटिंग आइलैंड्स फुमदीस, जहाँ पे हमने फोटो एग्जीबिशन कंडक्ट किया. और नेशनल पार्क के ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन दी वर्ल्ड, काइबुल लामजाओ, इसके लिए फेमस है, राइट? एंड एक इंडेंजर्ड एनिमल्स के लिए फेमस है संगाई, ये डियर्स है, राइट? और इसको भी हमने रिकग्नाइज किया हुआ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस 1990 में. जैसे चिल्लिका लेक था, ऐसी इसको भी रिकग्नाइज किया हुआ लोकताक लेक को. ओके, एंड लोकताक लेक को एक और हमने किया है अंडर मोंट्रियक्स रिकॉर्ड 1993. सिंपली बेसिकली व्हाट इट सेज मोंट्रियक्स रिकॉर्ड, कि कोई रामसार साइट्स, रामसार कन्वेंशन के लिए अंडर ही आता है, कोई साइट्स जहाँ पे इकोलॉजिकल कैरेक्टर अकर हो चुका है, चेंज हो चुका है, या होना है या हो रहा है अभी ये. और हर 15 अक्टूबर को हम लोकताक लेक डे मनाते हैं, ये ध्यान रखना. ऑलराइट, थंबीबरनी रिवर, याद करो हिस्ट्री में हम पढ़ते थे. सो बेसिकली ये के थंबीबरनी रिवर के साउथ एशिया की ओल्डेस्ट रिवर. जैसे नॉर्थ इंडिया में सरस्वती को रिवाइव कर रहे, वैसे ही अब साउथ वाले क्या कर रहे हैं? साउथ एशिया की ओल्डेस्ट रिवर थंबीबरनी को रिस्टोर कर रहे हैं. कैसे? हाइपर लोकल अप्रोच, लोगों को यूज़ करेंगे. तो कौन इन्वॉल्व हो रहा है? बेंगलुरु का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी? ट्री. और कौन सपोर्ट कर रहा है? तिरुनेलवेली के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. ये कहाँ पे लोकेटेड है? तमिलनाडु. ये भी ध्यान रखना, तिरुनेलवेली तमिलनाडु में लोकेटेड है. सो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल इनिशिएटिव रहेगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है टू रिस्टोर दी सिर्फ नॉट जस्ट इकोलॉजिकल सिस्टम ऑफ दिस रिवर, ऑल्सो सोशल लाइफ ऑफ दिस. तो प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव रिवाइव करो. तो कैसे मूव और साथ में रिवाइव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम इकोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी सेटअप करेंगे, राइट? ओके, सो बेसिकली हमें सिर्फ थंबीबरनी को नहीं रिवाइव करना, जितनी वाटर बॉडीज है तिरुनल वैली में सबको रिवाइव करेंगे. पर थंबीबरनी न्यूज़ में क्यों? बिकॉज इट इज़ साउथ एशियाज ओल्डेस्ट रिवर. और इसके फीचर के, इस रिवर के पेरिनियल रिवर है, पूरे साल पानी आता है इसमें, तमिलनाडु में लोकेटेड है. स्टेट वाइज भी क्वेश्चन पूछ सकती है यूपीएससी. फिर तमिलनाडु की शॉर्टेस्ट रिवर है, ये ध्यान रखना. और कहाँ से शुरू हो रही है? पोर्टिगाई हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन अम्बा समुद्रम तालुक. और कहाँ कहाँ से फ्लो करती है? पोर्तुगाई हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स ओरिजिनेट होके फ्लो कहाँ से करिए? तिरुनेलवेली, तूतुकुडी डिस्ट्रिक्ट. याद करो तूतुकुडी डिस्ट्रिक्ट किसके लिए फेमस है, ये आपके लिए होमवर्क है. ये मैंने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था तूतुकुडी डिस्ट्रिक्ट, वाई इट इज़ इन न्यूज़ फॉर अनदर रीज़न ऑल्सो. एंड फिर कहाँ पर एम टी कर रहे हैं? तिरुनेल डिस्ट्रिक्ट में ही एक लोकेशन है कोरकाई, कोरकाई वहाँ पे, गल्फ ऑफ मेनार, बे ऑफ बंगाल में. तो इसकी एक और फीचर क्या है? तमिलनाडु में ओरिजिनेट हुई, तमिलनाडु में ही एंड हो रहा है. ओरिजिनेट्स एंड एंड्स इन द सेम स्टेट.
और इम्पॉर्टेंट एनिमल्स कौन कौन से हैं, नीलगिरी मार्टन, स्लेंडर लॉरिस, लाइन टेल मकाक, वाइट स्पॉटेड बुश फ्रॉग, गैलेक्सी फ्रॉग, श्रीलंकन एटलस मॉथ, ग्रेट हॉर्नबिल, ये ध्यान रखना। हॉर्नबिल नॉर्थ ईस्ट में सेलिब्रेट करते हैं, उसके लिए फेमस है। ऑल राइट, और इसके बारे में कौन सी लिटरेचर में मेंशन है, संगम लिटरेचर तमिलनाडु की। राइट, ऑल राइट, ओके। सो नेक्स्ट वी हैव सुक्का पकाई रिवर, अभी रिसेंटली क्या है, अगेन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा को क्या बोला है, इसको रिवाइव करो फिर से, वही पोल्यूशन की वजह से ये सब इस रिवर इफेक्ट हो रही है। अब देखो ये ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये आपको नोटिस करने वाले, दिस इज नॉट ट्रिब्यूटरी, रादर इट इज डिस्ट्रीब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी क्या होती है, मेन रिवर उसमें कनेक्ट हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटरी मेन रिवर स्प्लिट होके रिवर्स क्रिएट कर दिए छोटी छोटी, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। सो सुक्का पकाई इज द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ महानदी रिवर जो उड़ीसा में फ्लो कर रही है, और महानदी रिवर कहाँ पे ब्रांच आउट हो रही है, इस लोकेशन पे अयातपुर विलेज कत्तक डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ से ये सेपरेट हुई सुक्का पकाई, फिर से महानदी में फिर से मर्ज होगी कहाँ पे, तारापुर कत्तक डिस्ट्रिक्ट में ही। और ये ध्यान रखना, तो ये कौन कौन से एरिया में, कत्तक सदार, रघुनाथपुर, निशिन तक, कोयली कत्तक। ओके, तो सुकुपकाई रिवर हमने डिस्ट्रीब्यूटी क्यों क्रिएट किया है, या क्यों मेन पर्पस क्या है, कि अगर महानदी में एक्सेस वाटर आ रहा है तो वाटर डाइवर्ट हो जाएगा। ओके, महानदी रिवर के बारे में, थर्ड लार्जेस्ट है पेनिनसुलर इंडिया में, लार्जेस्ट हमने देखा गोदावरी, थर्ड इज महानदी, सो आपका होमवर्क है सेकेंड लार्जेस्ट रिवर कौन सी है पेनिनसुलर रिवर की, वो भी हमने कवर किया। ओके, इसी में लिखे आंसर, गोदावरी, फिर कृष्णा, देन महानदी, ये ऑर्डर है। ऑलराइट, तो कौन कौन सी एरिया स्टेट से पास करता है, कैचमेंट एरिया छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, याद रखना इनके बीच में कन्फ्लिक्ट भी है महानदी रिवर को लेके, बिटवीन छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा के बीच में, तो वाटर शेयरिंग जब होएगा कन्फ्लिक्ट का तो इन सभी स्टेट्स को ध्यान में रखना है। ऑलराइट, तो महानदी रिवर कैसे है, सेंट्रल इंडिया हिल्स नॉर्थ में, ईस्टर्न घाट साउथ में, राइट, एंड ईस्ट में भी, और माइकाला रेंज वेस्ट में, और फिर यहाँ से फ्लो कर रही है दिस महानदी रिवर। ओके, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सिहावा प्लेस से, कहाँ पे, धमतारी डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में, इसकी ट्रिब्यूटरीज वही हमें देखनी है, सियोनाथ, हस्टियो, मांड, आइब, ये के लेफ्ट अगर ऐसे फ्लो कर रही है तो लेफ्ट कौन सी होगी, सियोनाथ, हस्ती, मांड, आइब, राइट कौन कौन सी होगी, ओंग, तेल, जोंक, ये ध्यान रखना। मेजर डैम्स जिसकी वजह से डिस्प्यूट्स हो रहे हैं उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, हीराकुड डैम लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, ये ध्यान रखना। बाकी डैम्स कौन से, रविशंकर, दुधवा रिजर्वायर, याद रखना दुधवा टाइगर रिजर्व भी है, सोनदूर रिजर्वायर, हस्तियो हिल्स, तंदुला, ये मेजर प्रोजेक्ट्स है, सो आप लिंक भी कर सकते हो बाकी एरिया से भी। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव वेम्बनाड लेक, अब देखो वेम्बनाड लेक क्या है, इसका भी क्या हो रहा है, इसका भी साइज श्रिंक हो रहा है, इसकी यूनिक बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट होगी, इकोलॉजिकल डिके हो रहा है तो श्रिंक हो रहा है, क्यों हो रहा है, पहली बात वेम्बनाड लेक है क्या, इट इज़ ऑल्सो नोन एज पुनामडा लेक, वेम्बनाड को पुनामडा लेक भी बोलते हैं, कोची लेक भी, कोची सिटी कोची लेक, बिकॉज इसके नॉर्थ में कोची सिटी है तो कोची लेक भी बोलते हैं, वेम्बनाड कयाल्स, वेम्बनाड कोल लेक ही होते हैं। ऑलराइट, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक इन केरला, याद रखना लार्जेस्ट इंडिया का नहीं है, केरला का वन ऑफ द, और वो भी वन ऑफ दी है, और भी लार्जेस्ट है, पर इंडिया का इन दी कंट्री ये क्या लॉन्गेस्ट लेक है, ये ध्यान रखना, इट इज़ द लॉन्गेस्ट लेक, देन इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट वेटलैंड सिस्टम, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट के सुंदरबन, उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट वेटलैंड सिस्टम। अब इस रिवर को पानी कहाँ कहाँ से आ रहा है, चार रिवर से आ रहा है, मीनाचिल, अचनकोविल, पंपा, मणिमला, राइट, और कहाँ पे है, यहाँ पे वेम्बनाड है तो इसके वेस्ट लेफ्ट साइड के अरेबियन सी, सो इट लाइज ऑन द राइट साइड ऑफ द अरेबियन सी, और एक नैरो रीफ लैंड इसको सेपरेट करता है, तो इसके फीचर्स क्या है, इस लेक में एक फेमस आइलैंड है पथिरा मनाल आइलैंड, जिसको मिडनाइट सैंड्स भी बोलते हैं, फेमस बर्ड सेंचुरी यहाँ पे कुमाराकोम बर्ड सेंचुरी, देन यहाँ पे नॉर्थ में कोची सिटी है, तो कोची सिटी में क्या है, वेम्बनाड लेक से एक लेक सेपरेट किया, कौन सा लेक, विलिंगडन आइलैंड, तो इसका पोर्ट भी यूज़ करते हैं।
राइट। अब सिंस ये रिवर अरेबियन सी से अटैच्ड है तो सॉल्ट वाटर एंटर करेगा, सो इट इज़ अ लॉन्ग सॉल्ट वाटर बैरियर। देन अब देखो कुटुनार एरियाज कौन से होते हैं, कुछ एरियाज है जो लो लाइंग हाइट्स पे है, अगर सी लेवल के है दिस इज सी लेवल, तो कुछ एरिया जो सी लेवल से नीचे है उनको हम बोलते हैं कुटुनार एरियाज, जहाँ पे स्पेशल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं कुटुनार एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो ऐसे एरियाज में सी वाटर एंटर ना हो तो हमने क्या किया, ये बेसिकली वेम्बनाड लेक के ईस्ट साइड पे है, तो वहाँ पे अगर सी वाटर एंटर ना हो तो हमने क्या किया, लॉन्ग सॉल्ट वाटर बैरियर जिसको हम क्या बोलते हैं थनीर मुक्कुम। देन लास्टली वेम्बनाड लेक इज़ फेमस फॉर दी बोट रेस जिसको बोलते हैं स्नेक बोट रेस, बिकॉज लंबी लंबी बोट्स होती है राइट। और कंपटीशन का नाम क्या है, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस या वलम काली, और कब होता है, हर साल होता है अगस्त में। ऑलराइट, देन इसको एज अ वेटलैंड रिकग्नाइज किया हुआ है अंडर नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम। देन रामसर साइट में भी है लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स में, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ऑलराइट फ्रेंड्स, आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। प्लेसेस याद देंगे, अब ये प्लेसेस को बार बार रिवाइज करते रहना, योर टास्क इज टू कम्प्लीटली रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, अदरवाइज आप प्लेसेस भूल जाओगे। बहुत फैक्चुअल चीज़ें हैं, एक मैप बनाना वर्ल्ड का और उनमें सारे प्लेसेस मार्क कर लेना, और जस्ट यू जस्ट हैव टू रिवाइज एंड रिवाइज। ओके देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे अहेड। इफ यू हैव एनी डाउट क्वेरीज प्लीज टू लेट अस